हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर सो हम नेक्स्ट टू मिनट्स में हम शुरू करते हैं अभी तक पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं हेलो

मैंने जो बताया था आई एम अ इंजीनियर करके हेलो विपुल जी आपको कुछ बोलना है शायद आपने आ, हैंड रेज किया है हेलो यस yes. Uh, नहीं जस्ट बताना था कि मतलब मैं हूँ अवेलेबल करके बस वो ही बताना था ओके नो प्रॉब्लम सर So, uh, अभी हम शुरुआत करते हैं जितने भी लोगों ने अभी फिलहाल टाइम पे ज्वाइन किया है उनके लिए और बाकी लोग मेन वाइल ज्वाइन कर लेंगे सेशन अभी uh, मैं सबको म्यूट रख रहा हूँ और जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ते जाएगा वी आई वुड लाइक टू कीप दिस सेशन हम इस सेशन को इंटरएक्टिव रखेंगे ओके सो एज़ आई सी ऑलमोस्ट नाइनटीन पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है और अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उन उनको हम थोड़ा इग्नोर करेंगे फॉर इनिशियल लेवल क्योंकि फिर जैसे कोई ज्वाइन करेगा तो अनम्यूट रहेगा और उसको म्यूट होने के लिए टाइम लग सकता है तो तब तक हम अ, आपने जो फॉर्म्स भरे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं और ये ओवरव्यू को ओवरव्यू से मैं शुरुआत करूंगा और फिर आगे जाके जैसे आप सबको पता है दिस इज फर्स्ट बैच ऑफ द ईयर 2021 जो फेब में है और फाइव डेज का बैच है और कॉस्ट वाइज अगर बोलने जाएंगे तो वन फिफ्टी सेवन रुपीज फॉर अ सेशन उसमें क्या कोई क्या सिखा सकता है तो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर इट आउट इसके पीछे पर्पज़ क्या है ये बैच रखने के पीछे का पर्पज़ क्या है और ये ओवरव्यू में वो मैं पर्पस क्लियर करूँगा और जैसे कि पांच कंप्लीट फाइव डेज़ में अगर हमें कुछ सीखना है तो बहुत ही अच्छा खासा कंटेंट मैंने इसमें पैकेज किया है कंटेंट का मतलब आप बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जैसे हमने देखा वैरायटीज ऑफ एक्सपीरियंसेस है पार्टिसिपेंट्स के कोई दो साल तीन साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है कोई चार पाँच साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं कोई टेन फाइव टू टेन इयर्स वाले एक्सपीरियंस है मार्केट में वॉइस इज टू लो ओके नाउ इज इट विजिबल ऑडिबल वॉइस का इश्यू और कोई फेस कर रहा है Okay. तो वराइटीज ऑफ एक्सपीरियंस है और मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो नेक्स्ट फाइव डेज है हम लोग क्या करेंगे uh, uh, मैं मेरा मोटिव क्लियर करूंगा ये फाइव डेज सेशन का मोटिव क्या है उसके बाद हम अपने पास जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स है उन स्किल्स को थोड़ा होल्ड पे रखेंगे फॉर सर्टन पीरियड फॉर नेक्स्ट फाइव डेज और उसके बाद आप आपके स्किल्स जो है इंडिविजुअली आप अप्लाई कर सकते हो बट ड्यूरिंग दिस फाइव डेज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड टू

अल्टीमेट ब्लू प्रिंट मार्केट का या स्टॉक मार्केट का एक अल्टीमेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ hmm. आगे जाके हमें पता चलेगा कि ये चैलेंज क्यों नाम चैलेंज क्यों है और फर्स्ट फेब टू फाइव फेब आपने देखा रहेगा टाइमिंग अलग अलग hmm. तो day, है तो फर्स्ट डे जो फर्स्ट डे है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ओवरव्यू और एक टॉपिक कवर करना है इसके लिए one, one, uh, 30 आवर्स मतलब एक घंटा और 30 मिनट्स में हमने ये कवर करने के लिए देखा है और बीच-बीच में मैं मेरा वीडियो चालू करूंगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये बंद करूंगा क्योंकि ये मुझे खुद, खुद मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है तो लेकिन मैं मैं हूँ ये जस्ट शो करने के लिए मुझे ये वीडियो मैंने चालू किया है ठीक है सो लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक टॉपिक पे हम ध्यान देते हैं और अगर किसी को कोई भी वॉइस का इशू रहेगा या स्क्रीन किसी को विजिबल नहीं है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो चैट में चैट इसीलिए मैंने ओपन रखा है और चैट में आप जो भी चीज़ें आपको लगती है वैलिड है लॉजिकल है उसको आप येस और नो में रिप्लाई करोगे जो भी मैं क्वेरीज पूछूंगा या जो भी आपको बोलना है क्योंकि ये कैसे है एक ग्रुप है और वाइटीज़ है तो लोगों के माइंड अलग अलग होते हैं बहुत लोग बहुत लोगों के पास इससे अच्छी भी टेक्निक हो सकती है बहुत लोगों के पास इससे अच्छा स्टडी भी हो सकता है और डेफिनेटली हम हर एक के स्टडी को रिस्पेक्ट करेंगे कोई भी इस ग्रुप में जैसे इस सेशन के बाद ग्रुप भी एक्टिव हो जाएगा और ग्रुप में भी कोई भी किसी के व्यू को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा ये मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और जिस किसी का भी स्किल अगर आपके काम आए तो उसको तहे दिल से धन्यवाद बोलना और इस सेशन को अच्छी तरह से कंडक्ट करने का फिर हम एक कमिटमेंट लेते हैं सो so, हम शुरुआत करते हैं सो दिस इज हमारा ये जर्नी शुरू हुआ था बैंक निफ्टी ये एक यूट्यूब चैनल है यहाँ से शुरुआत हुआ था यहाँ पे पहले हमने वीडियोस पोस्ट किए फिर कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई क्योंकि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप रन हो रहा था जो कि 2015 से है जिसमें ये थियोरी हम 2015 से शेयर कर रहे और लास्ट ईयर ऐसे हुआ कि एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया कि आप इसकी वीडियो सीरीज क्यों नहीं बनाते हो और वहां पे ये जर्नी शुरुआत हुई और एक वीडियो सीरीज जो फर्स्ट वीडियो सीरीज बना दैट वाज जिसमें हमने पूरा स्किल एक वीडियो सीरीज में कन्वर्ट करना चाहा उसके बाद उसको रिफाइन करते करते टोटल सिक्स बैचेस हुए ओवर दी पीरियड और वो सिक्स बैचेस खत्म होने के बाद हमारे पास ऐसा एक कॉन्क्रीट मेथड है जिससे हम किसी को एक्सप्लेन कर सकते ये थियरी क्या है और इसीलिए ये जो सेशन हमने कंडक्ट किया है ये ये जो आज का सेशन है ये सेशन गिव अवे टाइप सेशन है मतलब इसमें जो भी एडवांस टॉपिक्स एडवांस सेशन होते हैं उसमें जो भी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम इस सेशन में पांच दिन में यस पांच दिन में कवर करने वाले हैं और ये पांच दिन फुल पैक कंटेंट है और मैं बोलूंगा कि सेशन फास्ट हो सकते हैं और आपको लगेंगे फास्ट है लेकिन इसके रिकॉर्डिंग्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको कुछ भी क्वेरी हो डाउट हो आप आफ्टर सेशन आल्सो ये ग्रुप जब इनेबल हो जाएगा तो आप कोई 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 भी doubt, कोई भी भी डाउट क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो आपकी क्वेरी छोटी हो ऐसे आपको लगे या सिली हो ऐसे आपको लगेगी या ऐसे लगेगा कि मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ चौथी बार पूछ रहा हूँ डोंट वरी अबाउट दैट मुझे मेरी तरफ से आपके लिए कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप कितने भी बार क्वेरी पूछो क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं किया जाता तब तक अपना रिजल्ट उत, उतना नहीं आएगा इस से हम चलते हैं तो एंड एवरी क्वेरी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी और आपको क्वेरी पोस्ट करनी है जो जितनी ज्यादा क्वेरीज पोस्ट करेगा उसको यह थियरी बहुत जल्द समझ में आ सकती है तो 2021 व्हाट्सएप चैलेंज दिस इज फर्स्ट चैलेंज टू जीरो और आज फर्स्ट डे है और लाइव सेशन है और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है एज दिस इज द फर्स्ट सेशन सारे सेशन हम लाइव करने वाले हैं और इसके बाद के जो भी सेशन कंडक्ट होंगे उनमें रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल की जाएंगी लैंग्वेज जैसे मैंने पूछा था कोई पार्टिसिपेंट uh, uh, कौन सी लैंग्वेज प्रिफर करेंगे तो आई कैन स्पीक मराठी हिंदी एंड इंग्लिश बट हमारे सेशन जो है वो इंग्लिश में होंगे मतलब हिंदी एंड इंग्लिश ये जो फर्स्ट सेशन है हिंदी और इंग्लिश में होगा और यह भी मैंने बोला है जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है वो ये सेशन तो अटेंड कर ही सकते हैं इसमें जो भी उनको समझ में आएगा दैट इज वेल एंड गुड अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो इसके साथ वो इंग्लिश सेशन भी अटेंड कर सकते हैं और जो हिंदी में अटेंड करने वाले हैं उनके साथ भी इंग्लिश सेशन जब कंडक्ट होगा तो वो भी लिंक शेयर की जाएगी तो इसके बाद के सारे सेशन भी आप अगर ये सेम बैच रन हो रहा है इस टॉपिक को लेके तो वो आप सारे सेशन अटेंड कर सकते तो वेल बैंक निफ्टी जो वेलकम्स यू टू फाइव डेज व्हाट्सएप चैलेंज ये है क्या डे वन क्या है डे वन में मैंने लिखा है ओवरव्यू प्रूफ्स एंड साइकोलॉजी अभी इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता है ओवरव्यू किस चीज़ का ओवरव्यू देने वाला हूँ मैं या प्रूफ्स क्या होंगे और साइकोलॉजी ये क्या टॉपिक है हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें कर रहे हैं और ये साइकोलॉजी क्या टॉपिक होता है साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये अगर हम आज के दिन में हम अगर ये सेट कर पाए कि साइकोलॉजी ही इम्पॉर्टेंट है बाकी सब कुछ सेकेंडरी है तो फिर हमारे आगे के सेशंस हमें कंडक्ट करने में बहुत ही इजी हो सकता है तो जैसे ओवरव्यू में मैंने बोला डे वन इज मैप टू और डे वन हमने अलाइन किया है वीक वन से वीक वन क्या है ये वीक वन किस चीज को बिलोंग करता है मिशन वन दैट इज कमिटमेंट मिशन टू साइकोलॉजी मिशन थ्री अंडरस्टैंडिंग मिशन फोर लॉस मेकिंग साइकोलॉजी मिशन फाइव अनकट्रोल लॉस और इसका सबका एक रिव्यू होगा ये क्या है ये सारा एक वीक का एक कंटेंट है वो मैं एक दिन में फिट करने जा रहा हूँ और अगर मैं फिट करने जा रहा हूँ तो ये किस एग्जैक्टली exactly किस पार्ट से बिलोंग करता है तो मैं थोड़ा स्विच करूंगा प्रेजेंटेशन एंड हम जाते हैं ये जो एग्जैक्ट सेशन है उसके किस पार्ट में हम है वो एक्सप्लेन करने के लिए तो ये हमारा, ये हमारा मैंने एडवर्टाइजमेंट टाइप मैंने पोस्ट किया था टेक योर ओन डिसीजन अबाउट योर इन्वेस्टमेंट इन वन फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव या वन फाइव सेवन ये फिगर क्या है एंड ऑफ द सेशन हमें ये सब पता चल जाएगा वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर क्यों बोलता हूं मैं क्योंकि इसके बाद आई डोंट सी कि ये वन इस कॉस्ट में ये सेशन कंडक्ट किया जाएगा या यही कंटेंट फिर से रिपीट होगा या नाइनटी परसेंट डिस्काउंट ये बहुत लोगों को प्राइस वाइज आप देखोगे 90 परसेंट डिस्काउंट इज व्हाट लेकिन इट इज नॉट अबाउट द प्राइस इट इज अबाउट द कंटेंट तो हमारा मेजर फोकस भले इट इज रनिंग ऑन 90 परसेंट डिस्काउंट हमारा मेजर फोकस जो है वो कंटेंट पे रहेगा तो फाइंड द कोर्स कंटेंट डिटेल इन द नेक्स्ट पेजेस और पेमेंट लिंक ऐसे मैंने कुछ शेयर किया था इसके बाद आपने रजिस्टर कर लिया और मैंने जो कमिट किया है मतलब जर आगे, आगे उनकी खुद के पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये अगर हमें जानना है उनकी इन्वेस्टमेंट के तरीके हमको जानना है इंडियन मार्केट से रिलेशन में तो हमें क्या सीखना पड़ेगा वो हम आज शेयर करने वाले हैं वॉइस uh, का और किसी को इश्यू है अविनाश जी नहीं सुन पा रहे प्लीज रिपोर्ट ओके वॉइस इज ओके तो कहीं कहीं पे नेटवर्क का इश्यू हो सकता है इसीलिए वॉइस ऊपर नीचे होगा तो मैं बोलूंगा फिर से रिकनेक्ट कीजिए मेजरली uh, क्योंकि मैं मेरे मैंने मेरा कनेक्शन वाईफाई पे रखा हुआ है तो यहाँ से आई ट्राई की वॉइस बहुत ही कम हो इसीलिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ बीच बीच में और वीडियो स्ट्रीम uh, नहीं कर रहा हूँ बट आई होप नाउ वॉइस इज क्लियर और uh, जैसे ही हमें कोई क्वेरी है फटाफट बाकी लोग भी रिस्पोंड कीजिए तो हमारा सेशन ये फास्ट होगा एंड नाउ वी हैव हम uh, 15 मिनट्स आगे आ गए हैं ऑलरेडी सो so, वेनसडे और सैटरडे हमारे लाइव एनालिसिस एनालिसिसंस होते हैं ये सेशन क्या होते हैं आपने ये थियोरी एक बार समझ ली लेकिन इसकी हैंड होल्डिंग जरूरी है और इसमें गाइडेंस जरूरी है तो हर वेनसडे एंड सैटरडे आफ्टर टेन थर्टी मैं एक सेशन कंडक्ट करता हूँ जिसमें आने वाला फ्यूचर इंडेक्स मतलब फ्यूचर में जो इंडेक्स का मूव होने वाला है वो कौन से डिरेक्शन में होगा ये हम एनालाइज करते हैं और ये मैं शेयर करता हूँ और वही उस पर्सपेक्टिव को लेके हम इस थियोरी को आगे लेके जाते हैं देन स्किल सीरीज ये क्या है ये होने के बाद, इसके बाद के सारे जो सेशन कंडक्ट होंगे थर्टी डेज रिजल्ट बेस्ड चैलेंज इसी चीज का ये फाइव डेज व्हाट्सएप चैलेंज एक पार्ट है ये मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप पायरेट्स इन द मेकिंग ये पायरेट्स इन द मेकिंग क्या है हम हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है इसको रन कर रहे हैं एक टेक्निक से पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सबको पता रहेगा मूवी सीरीज जैक स्पैरो का एक मूवी सीरीज है जिसमें ब्लैक पल एक शिप है और जैक स्पैरो इज अ कैप्टन ऑफ दैट शिप तो मैं इस एक्टिविटी को रन करने के लिए मैंने खुद को जैक स्पैरो करके बोला है एंड हम हर एक बैच को ब्लैक पल्स बोलते हैं हमारा काम क्या है मार्केट से पल्स कलेक्ट करना है पल्स मतलब क्या है जो की ऑब्बियस मनी है मतलब मार्केट में कुछ मनी फ्रीली अवेलेबल है विदाउट एनी हार्डवर्क स्मार्ट वर्क से हम वो मनी कलेक्ट कर सकते हैं वो वो कलेक्ट करने के तरीके क्या है वो हम इसमें सीखते हैं इसीलिए यहाँ पे ये ग्रुप को बोला जाता है पायरेट इन द मेकिंग ये पायलेट इन द मेकिंग में जिन लोगों ने ये थ्योरी को जाना है वो लोग एडवांस uh, लेवल का लर्निंग लेने से पहले उनको देखना है कि ये थ्योरी सच्ची में मार्केट में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है अगर ये वर्क कर रही है तो ये किस तरीके से वर्क कर रही है तो वो ओवर पीरियड एक दो महीने के बाद वो बोलते हैं या वो सोचते है कि हाँ अभी हम इसके साथ जा सकते हैं क्योंकि ये यही हो रहा है और उसी लिये इन द मेकिंग ये ग्रुप का नाम दिया गया डेली स्टॉक इंडेक्स रिकमेंडेशन अपॉर्चुनिटी विंडो ये बहुत ही उमदा कंसेप्ट है यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है जहां पे हम वन परसेंट थ्री परसेंट ट्वेल्व परसेंट सेवेंटी टू परसेंट की अपॉर्चुनिटी विंडोज बनाते हैं मतलब आप स्टॉक्स में कोई भी पोजिशन बनाते हो तो पोजिशन कितने परसेंट तक आप होल्ड कर सकते हो ये ऑलरेडी हमें कैसे पता होता है ये इसमें एक्सप्लेन किया जाता है इस ग्रुप में भी आप ऐड किए जाओगे अल्टीमेट टेम्पलेट्स कुछ टेम्पलेट्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट बहुत कुछ करना जरूरी होता है अलॉन्ग विदिशन तो ये चीजें भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसके बाद ऑप्शन स्ट्रेटेजीज तो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज तो में जो भी स्ट्रेटेजीज वर्कआउट होती है इस थियरी पे वो आपके साथ शेयर की जाएगी अब इसको अगर हम देखेंगे तो अपने पूरे सेशन में आउट ऑफ फाइव डेज साढ़े चार दिन फोर डेज फोर एंड हाफ डेज या फोर एंड हाफ सेशन मतलब पूरा जो कंटेंट है उसमें से एटी टू नाइनटी परसेंट कंटेंट में हम जो काम करेंगे वो वाई पे काम करने वाले हैं क्यों होता है मार्केट में ऐसा इंडेक्स के साथ ऐसा क्यों होता है स्टॉक्स के साथ ऐसा क्यों होता है और उसके बाद जो बचा हुआ टेन टू फाइव टू टेन परसेंट पार्ट है वहां पे क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या करना है का मतलब पोजिशन कैसे बनाना है बाय कैसे करना है सेल कैसे करना है अगर एक बार आपको पता चल गया कि मैंने एंट्री लेने के बाद मार्केट ऊपर या नीचे ही जाने वाला है और वन डिरेक्शन अगर हमें कन्विक्शन आ रहा है तो ही हम मतलब है ना बाय और सेल करने से अदरवाइज वो मतलब नहीं बनता है तो जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता है हम हाउ हाउ पे ध्यान नहीं देने वाले हैं आगे जाता हूं लर्न मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम वाया वन ट्रेड अवे चैलेंज ये वन ट्रेड अवे चैलेंज क्या है ये एक एक ट्रेडर का लाइफ लॉन्ग चैलेंज है हर एक ट्रेड के बाद ट्रेडर को कुछ पैरामीटर्स चेक करने होते हैं कि उसने जो ये करंट ट्रेड लिया है उस ट्रेड में हुआ क्या है वो हुआ क्या है उसकी चार कैटेगरीज होती है इस सेशन में वो चार कैटेगरीज आपके सामने आएगी इसके बाद कोई भी आप जिंदगी में कोई भी ट्रेड लोगे तो उसके बाद आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो हेलो हेलो uh, uh, शायद नेटवर्क कनेक्शन वीक हो गया था तो मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूं एंड uh, सेशन हम कंटिन्यू करते हैं वन मोमेंट लेट मी शेयर द स्क्रीन तो क्रिएट योर ओन पर्सनलाइज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान ये क्या होता है इस पाँच दिन पाँच दिनों के बाद आपके पास हर एक के पास अलग अलग खुद का एक सेल्फ प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान होगा क्यों क्योंकि हम हमें पता है हमारी सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है हमारी साइकोलॉजी हमारे बचपन से हमने अभी तक जो किया है हम जिस एनवायरमेंट में पले बड़े हैं हमने जो कुछ देखा है हमारे ऑब्जर्वेशन उससे बनी हुई है

वो नॉट कम्प्लीटली बट मोर देन सिक्सटी सेवेंटी परसेंट आपका डर चला गया है अगर आपको लगा कि ऐसा हुआ है तो मुझे फीडबैक uh, देना मुझे रिव्यू देना ओके सो दिस चैलेंज इज फॉर ये चैलेंज क्या है फाइव डेज व्हाट्सएप चैलेंज क्या है किस किन लोगों के लिए है नो वाइज ट्रेडर जिनको मार्केट का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है जो नए, नए ट्रेडर है इन्वेस्टर्स है इंट्राडे ट्रेडर्स है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है स्विंग ट्रेडर्स है प्लस मैं ये बोलता हूं, दावे के साथ कि जितने भी 10 साल 20 साल एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स भी हैं, उन्होंने भी मार्केट को इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया रहेगा तो आपकी गलती नहीं है इसमें या मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं मेरा सिर्फ तरीका अलग था आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स और एक्सीडेंटली मुझे ये चीज पता चली जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और विदाउट इवन विदाउट लॉट मेनी थिंग्स बाकी सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है या नहीं है आप आपका डिसीजन ले सकते हो टिप्स कोई ले रहा है तो आने वाले आपके हाथ में आने वाले टिप्स सही है या गलत है ये भी वेरीफाई होना जरूरी है तो इसमें भी आप यूज कर सकते हो न्यूज जो फॉलो करते हैं जैसे आज बजट है आज बजट कितना घटिया था या कितना अच्छा था ये हमने लोगों से सुना है न्यूज में देखा है लेकिन उस बजट का मार्केट से कुछ रिलेशन था या नहीं था वो भी हम देखने वाले हैं दोज हुए इज गैम्बलिंग लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है तो गैम्बलिंग में हम कुछ कर सकते हैं क्या तो मैं बोलता हूँ जो भी चीज मैन्यट होती है अगर आपको उसका मैन्युपुलेशन पता चल गया तो फिर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और हमें पता चला है एफ आई एस और डी आई एस कैसे मैन्यूपलेट करते हैं दोज हुज फाउंड स्टॉक मार्केट डिफिकल्ट इन डिफिकल्ट मतलब लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट क्या डिफिकल्ट है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी ये मेरे बस का बात नहीं है. उनको भी आज हम प्रूव करेंगे कि ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है इसमें रॉकेट साइंस क्यों नहीं है ऑलमोस्ट जितने भी भी लोग अभी तक जिन्होंने स्टॉक मार्केट को देखा भी नहीं ये दिनों में उनका नजरिया हम चेंज करने वाले हैं मॉडरेट मंथली रिटर्न सैलराइड पर्सन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट है ड्यूरिंग दिस कोविड 19 का पीरियड तो ये भी हम इससे जनरेट कैसे कर सकते हैं स्मार्टली ये हम देख सकते हैं हाउ दिस सेशन विल हेल्प ईच वन ऑफ यू कैसे हेल्प कर सकता है मैं क्या करूंगा मैं आपके साथ कुछ भी नया करने वाला नहीं हूं मैं आपको कुछ स्ट्रेटी टेक्निक कुछ नहीं दूंगा टेक्निकली जिसको जिस चीज को मैं देने वाला हूँ वो ना में स्ट्रैटेजी uh, को बिलोंग करता है ना टेक्निक को बिलोंग करता है मैं आपके साइकोलॉजी में जो भी नॉइस है उसको रिड्यूस करने वाला हूँ यू विल अंडरस्टैंड यू विल फाइंड द लॉजिक बिहाइंड टाइम फ्रेम्स मार्केट है तो टाइम फ्रेम की बात आती है स्टॉक मार्केट को सिर्फ दो ही चीजों से नापा जाता है एक टाइम एंड दूसरा है डिस्टेंस टाइम का मतलब क्या है अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ी है किसी इंडेक्स की प्राइस बढ़ी है तो उसने वो बढ़ने के लिए कितना टाइम लिया है और अगर उसने उतना टाइम लिया है तो उसमें वो कैसे कैसे डिस्टेंस कवर किया है? उसने फास्ट कवर किया है या स्लो कवर किया है स्लगिश मूव है या रैपिड मूव है तो ये अगर सारी चीजें हमें टाइम पे पता चली तो हमें टाइम फ्रेम को अच्छे से यूज करना आ सकता है परफेक्ट यूज ऑफ ई एम ए लोग ई एम ए को इंडिकेटर बोलते हैं हम इसको रिस्क डिप्लॉय करने के लिए यूज करते हैं परफेक्ट यूज ऑफ आर एस आई

जो आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के आगे लेके जा सकती है क्योंकि हम अभी जो टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं ये टूल बिलोंग करते हैं होलसेलर्स से ना कि रिटेलर से वाई स्टॉक इंडेक्स करेक्ट मतलब अगर कोई चीज बढ़ रही है तो एक रेंज में बढ़ती है और घट रही है तो एक रेंज में घटती है ऐसा क्यों वाई वी डोंट रिकमेंड इंट्राडे और ऑन स्टॉक्स हम इंट्राडे स्टॉक्स में क्यों नहीं रिकमेंड करते लेकिन इंडेक्स में करते हैं इसका रीजन आप समझोगे वाई वी आर वी आर रिकमेंडिंग पोजिशनल बाइंग स्टॉक में पोजिशनल सेलिंग ये कैसे कर सकते हैं हम इंडेक्स में पोजिशनल uh, आपने सुना रहेगा रिटर्न ऑन रिस्क ये हमारे हमने बनाया हुआ कंसेप्ट है ये कंसेप्ट को अगर आपने हैंडल करना शुरू किया तो आपका मार्केट में जो डर है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा वॉट इज रिस्क कैपिटल हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल आप सब लोगों को पता होगा कैपिटल एक चीज होती है व्हाट इज रिस्क कैपिटल ये भी हम सीखने वाले हैं और इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा अर्निंग पोटेंशियल या हमारा ट्रेड्स लेने का जो डर है वो कितने लेवल तक घट सकता है ये हम जानने वाले हैं हाउ टू ट्रेड स्टॉक ऑप्शन शुड बी बाइट और सेल इट किस टाइमिंग पे हमें लेना है क्यों लेना है क्यों लेना, लेना है पे हम नाइन्टी टाइम डाल रहे हैं तो उसके बाद ही क्या लेना है हम सोचते हैं हाउ टू 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 ट्रेड इन इंडेक्स इंडेक्स ऑप्शन 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 बाय एंड सेल बायर्स और सेलर्स ये दो ही बंदे मार्केट में काम करते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं कितना टाइम ऑप्शन बायर को दिया जाता है कितना सेलर को दिया जाता है जैसे कि कोई भी कंपनी में कोई आप देखोगे दो तीन शिफ्ट में काम चलता है तो अपने भी मार्केट में हर एक का पेट भरने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया गया है ऑप्शन सेलर्स को उनका पेट भरना है ऑप्शन बायर को उनका पेट भरना है ऑप्शन सेलर्स पेट भरते हैं जब मार्केट साइडवेज जाता है ऑप्शन ऑप्शन सेलर्स पेड़ भरते हैं जब मार्केट साइडवेज जाते हैं ऑप्शन बायर्स पेड भरते हैं उनका जब मार्केट एक रैपिड मूव देता है जैसे आज ऑप्शन बायर्स के पॉकेट में बहुत अच्छा खासा अमाउंट आया रहेगा वाई वेन एंड हाउ हेच पोजिशन हेच पोजिशन कैसे कब और क्यों बनानी है और रिसेंटली आपने गेम सॉफ्ट करके जो यूएस स्टॉक है उसके बारे में सुना रहे उसके बारे में भी हम अगर टाइम मिला तो उसके बारे में बात करेंगे हाउ टू कैच वन परसेंट थ्री परसेंट ट्वेल्व परसेंट केमिकल रिएक्शन दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट विदाउट केमिकल रिएक्शन क्या होता है क्या सच्ची में विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है हर एक बंदे में अगर मैं पूछता हूँ फटाफट मुझे आंसर देना आप स्टॉक मार्केट में सपोज आपका कोई कैपिटल रहेगा पचास हजार और आपने मार्केट में एंटर करने के बाद आप ऐसा कौन सा अमाउंट है जो लूज करने के बाद आपका डर शुरू हो जाता है आप देखते हो निगेटिव फिगर एग्जाम्पल मुझे माइनस टू थाउजेंड देखने के बाद डर लगता है फटाफट आप बोल सकते हो चैट बॉक्स में किसको कितने अमाउंट देखने के बाद डर लगता है प्लीज रिस्पॉन्ड माइनस वन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड बाकी लोग भी अपना अपना नंबर बता दीजिए माइनस फाइव थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस फाइव थाउजेंड गौरव जी बोल रहे माइनस फाइव थाउजेंड जी बोल रहे माइनस फाइव थाउजेंड नयन माइनस वन थाउजेंड अक्षय जी बोल रहे फाइव थाउजेंड मकरन जी बोल रहे माइनस वन थाउजेंड विशाल जी बोल रहे माइनस फाइव थाउजेंड तो अराउंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड जी बोल रहे नरेंद्र माइनस टू माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी नीतीश जी बोल रहे भूषण जी बोल रहे माइनस टेन थाउजेंड सबका साइकोलॉजी यही में, मेजर फर्क है

एंड वेन देअर इज अ क्राइटेरिया दैट मीन्स वो अपना लिमिट है हम इस लिमिट के आगे नहीं जा सकते हैं लेकिन मार्केट का खुद का भी एक लिमिट होता है तो केमिकल रिएक्शन कब होता है पता है जब मार्केट का जो लिमिट है उसके लिमिट के साथ अगर हम हमने अपना लिमिट अलाइन नहीं किया इफ वी आर नॉट अलाइन अलाइनिंग आर लिमिट विद मार्केट लिमिट मार्केट का निगेटिव जाने का जो लिमिट है वहां तक इफ वी आर नॉट अप्लाइंग और वी आर नॉट अलाउविंग अ ट्रेड टू गो अप अपू दैट लिमिट तब ये केमिकल रिएक्शन हम अवॉइड कर सकते हैं तो ट्रेड को हमको रोकना है बिफोर हिटिंग दैट पॉइंट उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ केमिकल रिएक्शन पॉइंट ठीक है और इसी इसी के बाद फिर आप आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंटली आप हैंडल कर सकते हो तो इसके आगे का पार्ट रहेगा नो ज्ञान नो चूरण नो भाषण जो भी लॉजिकल है आपको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ इन है आप मुझे चैट विंडो में बोल सकते हो कि दिस इज दिस इज नॉट लॉजिकल मैं उसको मान लूंगा uh, हमें किसी से डिसएग्री नहीं करना है हर एक के ओपिनियन होते हैं देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड मोर इनटू साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस सो आगे जाता हूं सो स्किल इज नॉट दिस स्किल इज नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल और नॉट फ्रॉम एनी ऑफ दि बेस्ट सेलर बुक किसी भी बुक से ये कॉपी नहीं किया या यूट्यूब चैनल पे से ये देखा नहीं है ऑल दी लर्निंग्स आर डायरेक्टली फ्रॉम माय ओन ऑब्जर्वेशंस जब मैंने मार्केट में एक इंडेक्स पकड़ा बैंक निफ्टी और उसको मैंने दो साल अराउंड वन ईयर एंड सिक्स मंथ एट मंथ तक ऑब्जर्व किया एवरी डे सिक्स आवर्स मैंने जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन uh, था उसको नोट डाउन किया उसमें कौन सी चीजें काम आती है कौन सी चीजें काम नहीं आती है कितनी बार वो काम आती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली और उसी चीजों को क्लब करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आगे जाके ये बैंक निफ्टी जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो सारा नॉलेज या स्किल अप्लाई हो रहा है स्टॉक्स इंडेक्स फॉरेक्स कम्योडिटी सारे चीजों में और मैंने प्रैक्टिकली पेपर ट्रेड नहीं किया मैंने सिंगल लॉट पे ट्रेड किया है एंड I have lost almost minus 22 lakhs. मैंने इस पूरे जर्नी में मैंने लूज किया है लेकिन उसको रिकवर भी कैसे किया है वो भी मैं आपको कुछ स्क्रीन में दिखाऊंगा तो लीगल डिस्क्रेमर है इसके बाद जो भी चीजें आप पढ़ोगे देखोगे सीखोगे आप खुद के लिए यूज कर सकते हो कमर्शियल इसलिए इसका यूज मत कीजिए क्योंकि इसका कॉपी मेरे पास है एंड वो कॉपी आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है बिकॉज दिस इन्फॉर्मेशन ये स्किल जो है ये अभी करंट मार्केट सिनारियो में एक्जैक्ट फिट होता है आगे जाके मार्केट जैसे जैसे चेंज होते जाएगा इस स्किल में भी चेंजेस हो। होने वाले है डेफिनेटली और मार्केट निरंतर है चेंजेस भी निरंतर है तो जब कभी भी चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली अगर इसका कोई नेक्स्ट बैच रहेगा आप इस बैच का पार्ट हो तो आपके साथ वो स्किल भी शेयर किया जाएगा लिए नहीं है. हम जो कर रहे हैं ये चैलेंज सबके लिए नहीं हो सकता है दिस इज फॉर समू टेक एन एक्शन अगर आपको पूरा मार्केट थर्टी डेज में जानना है सीखना है प्रैक्टिस ओवर दीरियड चलती रहेगी थर्टी डेज में आपको जानना है तो ये थर्टी के थर्टी डेज इन्वॉल्व होना जरूरी था लेकिन जैसे कि ये पांच दिन का सेशन है तो ये सारी चीजें मैंने फाइव डेज में कैसे क्लब की है आपको आगे जाके समझ में आने वाली ही है और इसको मैं अल्टीमेट वेपन बोलता हूं क्योंकि ये अल्टीमेट वेपन हर एक चीज में अलग अलग तरीके से काम आता है तो मुझे आपको बोलना है रोल अप योर स्लीव एंड गेट टू वर्क फॉर नेक्स्ट थर्टी डेज हमारे लिए नेक्स्ट फाइव डेज और मनी बैक गारंटी क्या है मनी बैक गारंटी का मतलब ये है इसमें जो भी चीज शेयर किए जाएंगी आपको इलॉजिकल लग रही है अगर आप सेकेंड डे के बाद मुझे बोल रहे हो कि मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ इसका मार्केट से या इसका स्टॉक मार्केट से कोई मतलब नहीं है ये सारी चीजें कहीं से तो उठाई कॉपी की गई है या आपको विदाउट आस्किंग एनी रीजन आपको आपका मनी रिफंड दिया जाएगा तो फर्स्ट थर्टी थर्टी डेज का प्लान क्या है तो ये जो हमारा डे वन है हम यहां से मैप कर रहे वीक वन को डे टू है वो मैप होगा वीक टू में डे थ्री है वो मैप होगा वीक थ्री में डे फोर मैप होगा वीक फोर डे फाइव मैप होगा वीक फाइव में डे वन क्या है कमिटमेंट साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग हुआ लॉस मेकिंग साइकोलॉजी और अनकंट्रोल लॉस क्या होता है ये हम जानने वाले हैं आज के दिन में डे टू में हम क्या जानेंगे अगर हम पता है इसके पहले की टाइम फ्रेम को कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं तो आपका नजरिया चेंज हो जाएगा टाइम फ्रेम आर एस आई इसमें हम मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा अपॉर्चुनिटी विंडो यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया जाएगा फिफ्थ सेजन में आपको उसको हैंडल कैसे करना है वो सिखाया जाएगा और फिर हम एंटर करते हैं कंट्रोल लॉस वाले पार्ट में अनकंट्रोल लॉस से कंट्रोल लॉस वाले पार्ट में हम चले जाते हैं थर्ड वीक में मतलब डे थ्री हमारे लिए डे थ्री है क्योंकि हम फाइव डेज व्हाट्सएप क्लास से चैलेंज में है तो हमारे लिए डे थ्री क्या है रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होती है होलसेलर की साइकोलॉजी क्या होती है आपने पढ़ी रहेगी प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर मतलब इंट्रा वीकली और मंथली रेंजेस कैसे बनती है तो इंडेक्स में मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाऊंगा कि अपना मार्केट इतना सिंपल तरीके से चलता है आपको या हमको सिर्फ वो देखने का नजरिया होना जरूरी था नजरिया का मतलब मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन जैसे अगर मैं किसी को पूछूंगा कि ये जो आपके सामने स्लाइड है इसमें क्या क्या है तो फटाफट मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में क्या क्या है आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या क्या है क्या क्या दिख रहा है आपको इज माई क्वेश्चन क्लियर टू ऑल आपको मेरा जो क्वेश्चन मैंने पूछा वीकली स्केड्यूल है ओके okay. आपके अंडरस्टैंडिंग से आप बता सकते हो इसमें क्या क्या है टॉपिक्स है प्लान फॉर थर्टी डेज ट्रेनिंग है ओवरऑल थॉट प्रोसेस ऑफ स्टॉक मार्केट समथिंग अबाउट मिशन ये क्वालिटी टू बिकम अ गुड ट्रेडर हाउ टू कंट्रोल योर लॉस एंड मेक प्रॉफिट राइट अभी मैं बोलता हूं अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन का एक नया पैरामीटर देता हूं कलर वाइज इसमें क्या क्या है कलर्स नंबर्स आईकन्स टेक्स्ट यस कहीं जगह पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे एक आइकन दिखाया गया है दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें नंबर के लिए हैश यूज किया गया है और प्रोपोर्शन में सब कुछ अरेंज किया है यहां पे एक येलो वाला मार्कर है दीज आर ऑब्जर्वेशन तो मैंने जब मार्केट शुरू किया था तो जैसे हमने शुरुआत की है अगर मैं अभी आपको पूछता हूं तो आपका जो रेंज है ऑब्जर्व करने का वो थोड़ा बड़ा रहेगा इस एक ही स्लाइड को हम जितनी बार भी देखेंगे हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलती है सो माई क्वेश्चन सतीश जी क्वेश्चन पूछ रहे की माई क्वेश्चन इज दैट इंडिकेटर्स रियली वर्क आई एंड ए सतीश जी आई वुश जी को थोड़ा लैंग्वेज इंग्लिश uh, में उनको ये सेशन अटेंड करना था स्टिल ही इज अटेंडिंग दिस सेशन आई वु रिस्पेक्ट हिज डिसीजन क्योंकि हिंदी में अटेंड करना उनको डिफिकल्ट जाता है नो no प्रॉब्लम तो मैं थोड़ा सा पार्ट उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंडिकेटर्स आर नथिंग बट द रिलेटिव्स ऑफ प्राइस मतलब वो रिलेटिव है प्राइस के और प्राइस में जो कुछ होगा वो इंडिकेटर में दिखने वाला है तो प्राइस को इंडिकेटर ड्राइव नहीं करते इंडिकेटर को प्राइस ड्राइव करता है और इंडिकेटर क्या वर्क करते हैं कैसे वर्क करते हैं जैसे रिटेलर्स यूज करते हैं डेफिनेटली इंडिकेटर वैसे यूज नहीं होते हैं या वैसे यूज नहीं करना चाहिए होलसेलर्स क्या करते हैं इंडिकेटर के साथ वो अगर आपको गेम पता चला इफ यू अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ गेम इज प्लेड बाय होलसेलर्स

वो स्टोरी में हीरो hero, हीरोइन होते हैं विलन होता है उसमें एक मसाला होता है उसमें एक कोजी कोजी मूवमेंट होता है उसमें एक रोमांटिक मूड भी होता है उसमें एक फाइटिंग uh, भी होता है क्लाइमेक्स भी होता है ये सारी चीजें मार्केट में हम कैसे लर्न कर सकते बाय रीडिंग प्राइस ये भी चीजें मैं बताऊंगा जैसे आज का ये मूव था ये मूव मैंने जब भी पोस्ट किया था ट्वेंटी फर्स्ट नोवर को मैंने पोस्ट किया था कि मार्केट थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड टच करेगा या मैं मार्केट जिसको बोलता हूँ बैंक निफ्टी और वो टच कैसे करेगा उसका मैंने पाथ बताया था कि वो पहले फॉल लेगा और फिर राइज लेगा वो राइज कितना शार्प होगा और आज वो व्यू कंप्लीट हुआ फॉर्चुनेटली हमारे सेशन के पहले हुआ है तो मुझे कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है लाइव मार्केट में बताई बताई गई चीज अगर वैसे के वैसे हो रही है मतलब अपने पास कुछ ना कुछ वेपन है जिसको हम यूज करके फाइंड आउट कर सकते पेशेंट जोन क्या है ये सारी थियरी की शुरुआत पेशेंट जोन से हुई थी और इन साइड जोन आउटसाइड पेशन जोन पेशेंट जोन अगर मार्केट हमें दे रहा है उसका नाम पेशेंट जोन क्यों दिया गया है पता है क्योंकि दो साल मैंने उसमें जब ट्रेड करना चाह तो पहले तो अनोइंगली मैंने उसमें दस से बारह लाख मैंने गवाए हैं उसके बाद नोइंगली जब मैंने उसको राइड करना चाह तब उसमें और दस लाख मेरे चले गए हैं जिसमें मैं एवरी इच एंड एवरी पॉइंट मैं ऑब्जर्व करके मैं ये ट्रेड ले रहा हूं लेके उस ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ मेरे ट्रेड के साथ ऐसा क्यों हुआ वो सब नोट डाउन जब करते गया तब मुझे पता चला कि पेशन जोन नाम की कोई चीज होती है उस, हो। तो उस, उस चक्रव्यू में से निकलने का तरीका क्या है चक्रव्यू में अंदर जाकर ट्रेड लेने का तरीका क्या है ये सारी चीजें इन डेप्थ हम सीखने वाले हैं मैं के सेशन फास्ट ले रहा हूं क्योंकि इसको आप स्लो स्पीड में जब सुनोगे और रिपीट करोगे तब आपको ये सारी चीजें आगे जाके ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ वो सारे डॉट्स कनेक्ट होने वाले हैं अनकंट्रोल्ड प्रॉफिट ये क्या पॉइंट है मैंने शुरू किया अनकंट्रोल लॉस से उसके बाद कंट्रोल लॉस उसके बाद कंट्रोल प्रॉफिट एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अनकंट्रोल प्रॉफिट ये अनकंट्रोल प्रॉफिट पॉइंट कब आ सकता है ये हम उस, इसमें सीखने वाले हैं वीक फाइव में हम देखेंगे जोन रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स जोन ब्रेकआउट नेचर इंडेक्स पे हमारे कौन से वेपन काम आएंगे स्टॉक्स के लिए कौन से वेपन काम आएंगे तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो अपॉर्चुनिटी विंडो ये जो वेपन है वो आ, है वो आता काम स्टॉक्स पे और पेशन जोन जो वेपन है वो आता है काम इंडेक्स पे और इन सबको समराइज करने के बाद इफ यू आर ऑल्सो विलिंग टू पार्टिसिपेट यू कैन पार्टिसिपेट इन थर्टी डेज एक्शन प्लान जो थर्टी डेज एक्शन प्लान इसके बाद होगा उसमें आप आप विल करते हो आप फिर भी आ, एफर्ट्स लेते हो तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो आगे जाता हूं प्री रिक्विजिट आज के सेशन में हम क्या सेट करने वाले हैं दैट इज साइकोलॉजी कंसिडर दी ये पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन आज के सेशन में मुझे साइकोलॉजी पे बहुत बात करनी है तो वीक वन क्या है व्हेन इट इज नेसेसरी मतलब अगर कोई भी 90 मिनट्स का, का फुटबॉल का गे, गेम खेलना है तो पहले फुटबॉल प्ले, प्लेयर्स अपने मसल्स वार्म अप करते हैं और फिर वो वैसे ही हमें हमारे माइंड के मसल्स वार्म अप करने जरूरी है तो फाइव इनक्रेडिबल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मिशन हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जिन मिशन को लेके हम हमारी साइकोलॉजी को ऐसी तरह से ट्विक कर देंगे कि आप वही पुराने आप रहोगे लेकिन विद न्यू साइकोलॉजी आप मार्केट को बीट नहीं करोगे डेफिनेटली क्यों आप हमें हमें किसी को बीट नहीं करना है लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे this week is dedicated to the number one factor which determines how well you will be doing this challenge matlab मतलब psychology on uh, this hands down to the top obstacle ye bahut bada obstacle hai traders ke liye most disciplined traders most skilled traders or consistent traders को अगर journey आगे लेके जाना है तो psychology में change लाना बहुत जरूरी है तो हमने क्या किया इसको एक simple चीज में explain किया है लोगों को share किया है जैसे कि एलिमेंट्स होते हैं नेचर के अर्थ वाटर एयर अग्नि जो भी फाइव एलिमेंट्स होते हैं वैसे ही एलिमेंट्स हमारे इसमें भी है टाइम फ्रेम ई एम ए आर एस आई राइटली कॉन्फिगर्ड टाइम फ्रेम विथ अफोर्डेबल रिस्क एंड वेन वी नो हु इज इन पावर तो हमें उसके साथ अगर हमने अलाइन किया तो हमारे ये कार्ड्स बेस कार्ड जिसको बोला जाता है वो अच्छे से चलते हैं उसके बाद वीक वन वीक वन में हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे रेंज कार्ड क्या होता है मतलब डाउ थेरी जो आपने सुना है वो डाउ थेरी प्राइमरी जोन रेंज क्या होता है सेकेंडरी जोन रेंज माइनर क्या होता है ये सारी चीजें आपको नई लगेगी और नए ट्रेडर या नए जो बंदे हैं या जो भी है नए लोग जिन, जिनको मार्केट पता ही नहीं उनको लगेगा ये मैं क्या बोल रहा हूं ये सारी चीजें आपको इतनी हैंडी होगी आफ्टर इंडियन मार्केट में एग्जैक्ट अप्लाई होती है उसके प्रूफ में आज के सेशन में आप, आपको दिखाऊंगा अगर आपको जानना है आने वाले सेशन में उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं तो, तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा मैं बोलूंगा ऑर्डर करता हूं कि आप लोग आने वाले सेशंस डेफिनेटली आपका टाइम निकालिए एक घंटे का और ये सेशंस अटेंड कीजिए वीक वीकू में रेंज कार्ड क्या होता है मार्केट सिर्फ दो कंट्रोल पॉइंट्स में चलता है दो कंट्रोल लाइंस बनाए जाते हैं उस दो कंट्रोल लाइंस में एक हिडन एजेंडा चलते रहता है बैकग्राउंड में जहां पे वो दो कंट्रोल लाइन्स रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है और कौन ट्रैप करते हैं होलसेलर्स एफ आई एस डीआईएस एफ और डी के फाइट के बीच में हम फंसे हुए होते हैं और इसीलिए हम कभी भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं ले सकते सो इवन दो योर ट्रेड प्लान बिल्ड मतलब वीक में आपका ट्रेड प्लान बना भी नहीं रहेगा लेकिन बाय अंडरस्टैंडिंग ओनली टू आप आपके ट्रेड कैसे हो सकते हैं उसमें कहाँ पे इंपल्स आने वाली है जैसे मैं बोलता हूँ सो वॉट यू वॉट सो हाउ डू यू डू इट हाउ डू यू होल्ड एन इमोशन ऑफ अ रिटेलर रिटेलर के इमोशन को अगर ट्रिगर करना है तो मार्केट क्या देता है इंडेक्स क्या देता है आपको एक इम्पल्स देता है और हमको इम्पल्स मॉनिटर करना है हम वो मॉनिटर करने के जगह पे उस पर जम्प करते हैं एक बड़ा अच्छा खासा बाइंग या सेलिंग कैंडल दिखता है हम उतर जाते हैं मार्केट में ये सारे वेपन होलसेलर पुश करते हैं और उन वेपन्स को देख के हम एंटर करते हैं इसीलिए हम फंस जाते हैं और वो वेपन्स हमें दिखाए गए गाजर होते हैं जो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है

पावर कार्ड्स क्या होते हैं जैसे मैं बोलता हूँ मार्केट में लॉटरी होती है एवरी वीक देर आर टू और लॉटरीज लॉटरीज ये डिसीजन बॉक्स है ये बॉक्स आने के बाद आपको थ्री हंड्रेड पॉइंट का मूव कन्फर्म है ये कैसे है वन परसेंट इन स्टॉक डेफिनेटली मिलता है थ्री हंड्रेड पॉइंट इन इंडेक्स ट्रेजर बॉक्स क्या है सेवन हंड्रेड मोर देन सेवन हंड्रेड पॉइंट का मूव थ्री टू फाइव परसेंट इन स्टॉक्स ये ट्रेजर बॉक्स और फॉर्चून बॉक्स क्या है फॉर्च्यून बॉक्स जो आज हुआ है आज आपने देखा है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में एक दिन में कैसे दिया इसके पीछे का अगर लॉजिक आपको जानना है तो नो टू टू एक्ट एक्ट एज एज एन एन ऑप्शन ऑप्शन बायर सेलर एंड जस्ट टू सिट आइडल एज ए इन्वेस्टर ये सब आप इससे जान सकते हो तो वीक थ्री पावर कार्ड है जिसमें आप देखोगे स्टॉक्स कमोडिटी फॉरेक्स के लिए अपॉर्चुनिटी विंडो है पेशेंट जोन के लिए इंडेक्स uh, के लिए है पेशेंस जोन पेशेंस जोन ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है जहां पे अपने ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो आपको स्टोरी का क्लाइमैक्स पता, पता चल सकता है और आपको ये पता चल सकता है कि आने वाले अगर आप फाइव मिनट्स टाइम फ्रेम में हो तो आने वाले पूरे एक दिन में क्या होगा ये आप जान सकते हो अगर आप फिफ्टीन मिनट्स में हो तो आप जान सकते हो आने वाले फाइव डेज में क्या होने वाला है अगर आप आर्ली के टाइम फ्रेम पे हो एक घंटे के टाइम फ्रेम पे हो देन यू कैन अंडरस्टैंड पूरे 22 डेज में क्या हो सकता है और इसी कारण जो अभी का जो मूव था वो मैं बता पाया 33,300 तक बैंक निफ्टी क्यों जाएगा और कौन से रस्ते से जाएगा गेम प्लान अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिस्क कैपिटल एंड एक्चुअल रिस्क ये क्या है एक लाख का आपके पास कैपिटल है उसमें से आप अपने गन का एग्जाम्पल देखा रहेगा गन में क्या होता है मैगजीन होता है और बुलेट्स होती है मैगजीन को हम रिलोड करते हैं हम क्या गन रिप्लेस करते बैठते हैं क्या अगर हमारी गन किसी ने छीन ली तो मैगजीन से हम गोली चला सकते हैं क्या नहीं चला सकते गोलियां हमने हमारी कितनी भी छीन ली तो हम नई गोली बाय करके रिलोड तो कर सकते हैं मैगजीन और फिर हम गन सेम गन यूज कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं मार्केट में मोस्टली लोग अपनी गन मार्केट को दे देते हैं और जब गन अपने हाथ से दूसरे के हाथ में चली जाती है तो हम अपने लिए कुछ बेनिफिट नहीं उठा सकते यही कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे जानने वाले हैं तो हमारा जो रिस्क है उसको हम किस प्रोपोर्शन में हमें डिवाइड करना है हमारे कैपिटल से रिस्क कैपिटल कैसे डिफाइन करते हैं और कैपिटल है इसको कैसे ट्रीट करते हैं ये भी हम जानने वाले हैं इसके बाद जो गेम प्लान होगा दैट इज रियल ट्रेडिंग उस रियल ट्रेडिंग में ये केमिकल रिएक्शन को हैंडल कैसे करना है और अपना एक एक बॉक्स बनाया जाएगा आपके माइंडसेट का एक बॉक्स बनता है जिसको मैं बोलता हूं योर ओन कस्टमाइज्ड ट्रेड प्लान और उस बॉक्स के बाहर कोई भी ट्रेड बनता है तो आपका माइंड ही आपको अलाउ नहीं करेगा मुझे इसमें से कोई ट्रेड उठाना है आपका माइंड सिर्फ अलाउ करेगा आपको इस चैलेंज ये पूरे जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको आपका ब्रेक इवन बॉक्स मिल गया इसका मतलब आपके ट्रेड्स केमिकल फ्री हो गए केमिकल रिएक्शन फ्री हो गए और ये केमिकल रिएक्शन फ्री जो अभी आपको लगता है अभी मैं आपको ऑन दिस सेशन ये फर्स्ट सेशन में आपको पूछूंगा मैं आपको स्टॉक मार्केट से लेके रिलेटेड uh, डर कितने परसेंट में वन टू हंड्रेड परसेंट में फटाफट पोस्ट कीजिए किसको कितना डर लगता है व्हेन फटाफट वन परसेंट टू परसेंट टेन परसेंट फिफ्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट नाइनटी परसेंट जो भी है भावेश जी को फिफ्टी डर लगता है अविनाश जी को फिफ्टी डर लगता है नयन जी को फिफ्टी परसेंट जयेश हंड्रेड परसेंट ओके जयेश आई गेस जयेश इज न्यू कमर यस, मयूरी फिफ्टी परसेंट भूषण फिफ्टी परसेंट राकेश वर्मा जी फिफ्टी परसेंट अक्षय कड़ू ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट डर लगता है 90 परसेंट डर लगता है आदित्य जी को नितेश जी को ट्वेंटी परसेंट फोर्टी परसेंट देखिये साइकोलॉजिकल डिफरेंस जो है यही डिफरेंस यही गैप है ये हम फील करने वाले हैं सेवेंटी परसेंट डर अगर हमें लगता है तो किस चीज का हमें डर लगता है अगर हमारे सामने वो चीज आई ही नहीं तो हमारा माइंड वैसे रिएक्ट करेगा ही नहीं सो माई क्वेश्चन ओवर हियर इज हाउ इफ वी नीड टू चेक आर फियर ऑन द स्केल ऑफ वन टू हंड्रेड हाउ मच फियर डू यू हैव सतीश जी फॉर वेन वी वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट इफ यू आर ओपनिंग एनी पोजिशन इन मार्केट हाउ मच फियर डू यू हैव अराउंड फ्रॉम वन पर्सेंट टू हंड्रेड पर्सन यू कैन डिफाइन दैट यस yes. विशाल जी जो है विशाल जी ने हमारे एडवांस सेशन अटेंड किए हैं तो उन्होंने जैसे आप चैट बॉक्स में देख रहे हो उन्होंने लिखा है he has written कि उनको 50 डर लगता था जानने वाले हो तो ये ब्रेक इवन बॉक्स हरेक का इंडिपेंडेंट बनेगा और हरेक का अलग बनेगा आर इन्विटेशन टू यू एट दिस नेक्स्ट 30 डेज यू विल हैव अ कस्टमाइज ट्रेड प्लान दैट इज सुटेबल फॉर यू मतलब आपका खुद का एक कस्टमाइज प्लान बनेगा और मार्केट में अगर आपको रखना है कंटिन्यूअस रिस्क कैपिटल कैसे जनरेट करना है इसी के पीछे हमको पढ़ना है एंड योर रिस्क कैपिटल विल अलाउव यू टू शूट अनलिमिटेड बुलेट्स तो इसका जो इस डायग्राम का जो मीनिंग है मतलब सबको लगता है कि अपना गन भारी जो आप हम बंदूक या दम्बूक या बंदूक यूज करते हैं वो बहुत भारी होना चाहिए अपना कैपिटल बहुत तगड़ा होना चाहिए तब मार्केट में हम कुछ कर सकते हैं इसका लाइव प्रूफ भी मैंने ग्रुप में दिखाया है मैंने इलेवन थाउजेंड से अकाउंट शुरू किया था फाइव डेज बिफोर और आज उसका वैल्यू है ट्वेंटी थाउजेंड तो उसको अगर हम डबल कर पाए इन ओनली फोर डेज फाइव डेज तो आप आपके एक लाख को भी तगड़ा डबल कर सकते हो यहां पे मैंने क्या किया है आई आई वॉन्टेड टू शो मैंने आपको कैपेसिटी बताई है हमारी जो गन हमने चूज की है हमारी जो टेक्निक है वो किसी भी कैपिटल को डबल करने की ताकत रखता है और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो मैं ये बेच तो नहीं रहा हूं आप लोगों को कि ये डबल पैसा डबल करने की तकनीक है मैं ये बोल रहा हूं आपका रिस्क कैपिटल नए तरीके से जनरेट करने की टेक्निक है कंटिन्यूस रिस्क कैपिटल जनरेट करने की तकनीक है और अगर कंटिन्यूस रिस्क कैपिटल बनेगा तो उसमें से ही हमारे अनलिमिटेड बुलेट्स बनेंगे तो हमारे वही कैपिटल से अनलिमिटेड रिस्क कैपिटल कैसे बनाना है इस पे हमारा फोकस होता है ना कि प्रॉफिट बनाने पे और उसके बाद जो बुलेट्स फायर होते हैं उससे हमारे हमें अगर हमने कंट्रोल्ड प्रॉफिट कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड प्रॉफिट न जाते हुए कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड लॉस न जाते हुए कंट्रोल लॉस कंट्रोल प्रॉफिट और अनकंट्रोल प्रॉफिट की तरफ कैसे जाना है उसका जर्नी में बताने वाला हूं तो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रॉफिट और लॉस इट इज ओनली अबाउट नॉट लूजिंग दी वेपन मतलब आपका जो कैपिटल है मार्केट को सिर्फ दिखाना है भाई मेरे पॉकेट में लाख रुपया है मैं तुम्हें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि आप तुम मेरे पॉकेट में से दो हजार रुपया ले सकते हो और जब मार्केट को लगेगा दो रुपया दो हजार रुपया लेने ही जा रहा है तो आप मार्केट से पांच सौ रुपया लेके रिटर्न आ जाओ इतना सिंपल टेक्निक है ये कैसे होता है इसी चीज को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग द वेपन वंस यू नो अनलिमिटेड रिस्क कैपिटल कैसे बनाया जाता है उसके बाद आपका वेपन अपग्रेड होगा फिर आप गन से स्विच करोगे शॉर्ट गन पे शॉर्ट गन से स्विच करोगे मशीन गन पे मशीन गन से स्नाइपर पे स्नाइपर से आप आगे जाके तोहफ भी ले सकते हो फिर उससे छूटने वाली हर एक गोली जो रहेगी उतनी पावरफुल रहेगी तब जाके आपका रिस्क कैपिटल बड़ा होगा एंड आपके रिस्क का, टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो नो नीड टू लर्न और मगअप एनी रिटेलर्स वेपन हमको कुछ भी नहीं जाना है नो नीड ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर नेक्स्ट फाइव डेज कोई भी बंदा मैं मैं आपको बोलता हूँ रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ मैं अगेन आपको बोलता हूँ जस्ट कीप असाइड योर कैंडल स्टिक स्किल्स मुझे मेरे पास भी है मैंने स्टीव निशन को बहुत बार पढ़ा है लेकिन ये बुक्स जो मार्केट के बुक्स की रियलिटी में बताना चाहूंगा जितने भी बुक्स बने हैं वो रिटेलर को एक माइंडसेट देने के लिए बने हैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको यहां पे इस जगह पे फटाफट मुझे आंसर देना कितने लोग प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेला है कितने लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स खेले हो आप प्लेइंग कार्ड्स जो 52 होते हैं जिसमें राजा होते किंग होते हैं क्वीन होते हैं जोकर होता है एंड वन टू टेन कार्ड्स अलग से होते हैं एस भी होता है अगर मैं आपको किंग शो करता हूं तो आप में से कितने लोग उसको किंग बोलोगे या क्वीन बोलोगे आप किंग को किंग ही बोलोगे राइट क्यों किंग बोलेंगे क्योंकि हमें यह बताया गया है कि ये किंग है और अगर मैं बोलूंगा चार्ट के रिलेटेड चार्ट आपको मैं मैं जो चार्ट देख रहा हूं आप जो चार्ट देख रहे हैं पूरे भारत में किसी भी कोने में जिसके पास इंटरनेट है मोबाइल पे वो चार्ट देख रहा है डेस्कटॉप पे देख रहे हैं सबके चार्ट्स एक ही चार्ट दिखा रहे हैं सबके लेकिन फिर उनका अंडरस्टैंडिंग अलग क्यों है क्यों है उनका अंडरस्टैंडिंग अलग क्योंकि उनको जो वेपन दिया गया है वो उतना पावरफुल नहीं है हमें किंग को किंग के तरीके ही जानना है तो हमें

दो चीज दो लाइन्स में उन रिटेलर्स को टॉगल किया जाता है नो नीड ऑफ एडवांस इंडिकेटर, कोई अगर मार्केट आपको बेच रहा है, तो उससे अच्छा आप दे सकते हो नो मोर टिप्स नीडेड कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर की तो जरूरत ही नहीं है प्राइस ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको समझने में ही आपको अगर आपने टाइम अच्छा स्पेंड किया तो बहुत कम टाइम लगेगा अगर आपने पैसे पे फोकस किया तो आपको बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते नो मोर मंथली सब्सक्रिप्शन वी डोंट नीड एनी सब्सक्रिप्शन में भी नहीं बेचता हूँ और ये सेशन मैं एक बार शेयर करता हूँ और इसके बाद वाले सेशन जितने भी इस टॉपिक पे कवर होंगे उसका सबका एक्सेस भी आपको है तो ये जितनी बार रिपीट होगा यू कैन एक्सेस विदाउट एनी चार्ज नो मोर थिंग्स टू स्टडी और इसके अलावा वी नीड नॉट टू स्टडी एनी थिंग ओनली थिंग टू कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफाई करना

हर एक ट्रेड मतलब हर जो आप एक ट्रेड लेते हो दैट इज नथिंग बट अ चैलेंज गिवन बाय मार्केट टू अस और उस वन ट्रेड के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है आप किस डोर से एग्जिट ले रहे हो गेट योर ओन केमिकल रिएक्शन फ्री ट्रेड ट्रेड प्लान बिल्ट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग मोमेंटम इन योर रिस्क कैपिटल आई एम नॉट आप आपका कैपिटल बढ़ाओ मैं बोल रहा हूँ रिस्क कैपिटल मतलब आपका जो पावर uh, है वो रिस्क कैपिटल से बढ़ता है कैपिटल से कुछ नहीं होता है कैपिटल तो सबके पॉकेट में पड़ा है लेकिन डर जो होता है ना माइंड में वो अपने उस अमाउंट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लाने नहीं देता है मतलब मैं बोलता हूं आपको अगर आप खुद को एनालाइज करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में भी किसी ना किसी के पास लाख रुपया दो लाख पांच लाख दस लाख बीस लाख रुपया रहेगा लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक लाख रुपया इंसर्ट करने के टाइम पे आपको जो डर है उस डर के वजह से हम उस कैपिटल को इंसर्ट नहीं कर पाते हैं तो रिस्क कैपिटल जब जिस मोमेंट पे हम उसको डिफाइन करते हैं व्हेन वी डिफाइन दैट एज कैपिटल आर इमोशन कंप्लीटली चेंजेस तो वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि इमोशंस कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं ओके ये दिस इज प्लेइंग विथ सम म्यूजिक आई एम रेडी टू टेक ऑल आर यू ऑल रेडी टू टेक दिस चैलेंज इन फाइव डेज प्लीज पोस्ट येस और नो जितने भी लोग जिनको लगता है ये ये चैलेंज ले सकते हैं यस में पोस्ट कीजिए ओके okay, बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं एंड आई होप यहां पे एक पॉइंट बनता है यहां पे मैं एक फीडबैक ले सकता हूं क्या आप लोगों को ये पूरा थर्टी डेज एक्शन प्लान जितने फास्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन करना चाहा आपको समझ में आया वन टू टेन के स्केल पे आप बता दीजिए कितने परसेंट कितने लेवल तक समझ में आया यस yes, टेन प्रथमेश जी टेन बोल रहे हैं नितेश जी नाइन टेन नरेंद्र जी एट नाइन पॉइंट फाइव टेन एट सो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसे एक रेंज में हैं एट एंड अबो के रेंज में है सिक्स विपुल जी सिक्स मयूरी एट एट टू टेन के रेंज में है सब कुछ अलाइन है ऑलरेडी और विपुल जी सिक्स है यस yes, डेफिनेटली थोड़ा बहुत यहाँ वहां होगा तो आगे एक्जैक्टली exactly, जब हम करने जाएंगे तो इसमें और एडिशनल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो गेट मी माई अल्टीमेट ब्लू प्रिंट लोग मुझे बोल रहे हो इसीलिए मैं यहां से आगे लेके जा रहा राइट आफ्टर दिस फाइव डेज चैलेंज जो भी हम कवर करेंगे जैसे कि ये सेशन पूरा लाइव होने वाला है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इतना जो मैं बता रहा हूं मार्केट के बारे में भाई मैं कौन हूँ लेकिन मार्केट के बारे में बोलने वाला फ्टी जोन ये मेरा चैनल है अर्बन प्रो यहाँ पे आप देखोगे अर्बन प्रो इज दूट्यूब चैनल है और रैंक वन ट्रेनर हूं मैं यहाँ पे आ, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक जगह पे ड्राइव किया जाएगा आ, इस वेबसाइट पे आपको लेके जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जैक स्पेरो मैं खुद को जैक स्पेरो बोलता हूँ बिकॉज मुझे ये ड्राइव करने है ब्लैक पर्स तो सारे ब्लैक पर्स को मैं ब्लैक पल्स का कैप्टन में ही हूँ ट्रेडर सिंस 2009 जैसे मैंने जर्नी शुरू की थी मुझे एक बंदे हैं आलम करके हैं आलम खान उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने बोला था भाई मैं अभी लोन लेने वाला हूं और मार्केट अभी बहुत अच्छा गिरा है और आने वाले तीन चार साल में उस, उसका तीन चार गुना मिलेगा तो उसने फाइव लैक्स का लोन लिया उन्होंने और फाइव लैक्स से उन्होंने मेरे आंखों के सामने जब सिक्सटीन लैक्स जब बनाए टू में तब जाके मैंने देखा कि अरे इसको कुछ अलग तरीके से देखने की जरूरत है तो नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया मैंने खुद एक लोन लिया और वो लोन अराउंड टेन लैक्स का था और मैंने फिर मार्केट शुरू किया फिर एक दो महीने के बाद ऐसा एक दिन आया जिस दिन में जाने के बाद उस दो या तीन दिन में मैंने टिप्स सर्विस प्रोवाइड मतलब सर्विस प्रोवाइडर था स्पॉट रिसर्च करके सर्विस प्रोवाइडर था उसे टिप्स लेनी शुरुआत की उस बंदे ने मुझे एक दिन का प्रॉफिट दिखाया दो लाख दूसरे दिन का तीन लाख तीसरे दिन में दो लाख का लॉस चौथे दिन में डेढ़ लाख का प्रॉफिट ऐसे करते हुए तीन या चार दिन में आई लॉस्ट अराउंड मोर देन सेवन लैक्स आप मेरा यही नंबर गूगल करोगे तो आपको ये वाला केस स्टडी मिल जाएगा और ये मैंने लिखा हुआ है और बहुत पुरानी बात है ये और 2015 थाउजेंड ये सब इंसिडेंट्स हो जाने के बाद मैंने मार्केट को सीरियसली लेना चाहा सब कुछ साइड में रख के फिर मैंने एनालिसिस शुरू की और आज जाके मैं एनालिस्ट होने के बाद जब मैं ट्रेड खुद इंडिपेंडेंटली जब मैंने ट्रेड करना सीखा तो वही सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और एक ओवरव्यू यहाँ पे देना चाहूंगा जैसे कि ये लिंक अर्बन प्रो पे जो लिंक है तो दिस इज मी अर्बन प्रो क्या है ये आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे खासे ट्रेनर है इसपे यहां पे कुछ रिव्यूज है आप अगर पूरा प्रोफाइल अगर इसमें देखोगे आप तो इस प्रोफाइल में मैंने कुछ ट्रेड्स भी मेरे मार्च के जो जब मैंने ये प्रोफाइल अपडेट किया था तो मार्च के ट्रेड्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं दिस इज बेसिकली आई लाइक स्केचिंग एंड पेंटिंग मैं प्रोग्रामर भी हूँ और ब्रेड एंड बटर सिंस 2001 थाउजेंड मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ थर्ड हॉबी है मेरा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट जो पैशन था मेरा और अभी वो पैशन एग्जीक्यूट हो रहा है थर्टी सिक्स ईयर ज्यादा एज नहीं है अराउंड थर्टी सेवन ईयर्स अभी हुआ हूँ ऑन अर्थ अभी तक कुछ रिमार्केबल किया नहीं है और यहाँ पे आप एंड में जाओगे तो यहाँ पे मेरे कुछ है कुछ ट्रेड्स है जो ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने लेके दिखा है माइनस फोर थाउजेंड रुपीज प्लस फोर थाउजेंडी यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लस सिक्स थाउजेंड रुपीज माइनस टेन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ये मार्च अप्रैल की अप्रैल के लाइव ट्रेड्स से प्लस सिक्स थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड सेवेंटी फोर प्लस थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड यस इलेवन थाउजेंड प्लस इलेवन थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड अभी ये अप्रिल के बाद ये कौन सा मंथ है यहाँ पे टू ट्वेंटी सेवन मतलब तो फिफ्थ मे है उसके बाद ट्वेंटी सिक्स एक, एक प्रॉफिट है, है तो जो माइनस ट्वेंटी टू लैक्स थे उसको आराम से हम कन्वर्ट कर पाए इसी वजह से तो ये सारे मेरे ट्रेड से कहीं कही से कॉपी नहीं किए गए हैं टेन थाउजेंड और इसमें आप मैप कर पाओगे कि प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाया मैंने क्योंकि दोनों ही होता है मार्केट वन साइडेड नहीं होता है हमें सिर्फ सोचना है हम कब किस मूवेंट पे अंदर होने चाहिए किस मूवेंट पे बाहर होने चाहिए तो और क्या चीज बतानी है लेट मी कनेक्ट अगेन बैक टू दी प्रेजेंटेशन आठ बज गए अभी भी ऑन टाइम है द मार्केट हैज तो इतना डिफिकल्ट क्या है कुछ डिफिकल्ट नहीं है आज के बाद आपको मार्केट को बहुत ही सिंपल तरीके से देखना है द मार्केट हैज ओनली मन फॉर ऑल ओनली टू डिरेक्शन जाने वाली है ओनली थ्री ट्रेंड्स एक तो ऊपर तो तो, तो तो या ऊपर जाएगा और फोर काइंड ऑफ एग्जिस्ट बड़ा लॉस मतलब बहुत बड़ा लॉस जो आपको वाइप आउट कर सके छोटा लॉस कंट्रोल लॉस कंट्रोल प्रॉफिट अनकंट्रोल प्रॉफिट और इन सब चीज में स्टॉक मार्केट फसा हुआ है और हमें यह जानना है कि यह वन टू थ्री फोर इतना ही होने के बाद हम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों देखते हैं? अपॉर्चुनिटी है यह हम जानने वाले हैं द इंडेक्स द अल्टीमेट वेपन में बोलूंगा क्यों अल्टीमेट वेपन आप जानोगे आप फिर दूसरे दिन से जिस दिन से आप इसको जानोगे दूसरे दिन से जिनको भी निफ्टी और बैंक निफ्टी डिफिकल्ट लगता है वो खुद बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी किस लेवल का कन्विक्शन उनको दे रही है तो ये पूरा टेम्पलेट में एक्सप्लेन करने वाला हूं द ट्रेडर हैज फोर एग्जिट जैसे मैंने बोला वन वन ट्रेड अवे चैलेंज क्या बोलता है हर एक ट्रेड लेने के बाद आपको देखना है आप किस डोर से एग्जिट ले रहे हो ये चार डोर है मार्केट में अनकंट्रोल लॉस मार्केट हैज ओनली फोर एग्जिट डोर्स

हमारे ये 5 डेज के सेशन आपको अलाइन इसी तरह इसी राइट right साइड पे करने वाले हैं यू विल बी यू विल अलाइन योर साइकोलॉजी टुवर्ड्स द राइट पोर्शन ऑफ दिस स्लाइड द टू लाइंस क्लब गारंटीज अ कंट्रोल्ड एग्जिट तो अनकंट्रोल्ड एग्जिट पे हम जाते नहीं है जो लॉस मेकिंग है और कंट्रोल एग्जिट पे हम बातें करते हैं और फिर आप उसको अनकंट्रोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो तो नॉट इनफ चेक आर बोनस मटेरियल द बोनस जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन स्टिल इन डाउट आप रिव्यूज देख सकते हो बहुत अच्छे रिव्यू लिखे हैं क्योंकि वो उनका खुद का ओपिनियन है अबाउट मी और मेरा जो ओपिनियन मैंने बनाया अबाउट मार्केट बिकॉज ऑफ दैट और जैसे जिस लेवल का शेयरिंग मैं करना चाहता हूं हर एक ट्रेडर के साथ बिफोर लूजिंग दी मनी जितना मैग्नीट्यूड का मनी मैंने लूज किया अराउंड माइनस ट्वेंटी टू लैक्स इज रियली बिग अमाउंट फॉर सम फॉर मी एज वेल लेकिन एक साइड बाय साइड इनकम हो जाने के बाद ये लूज करना मैं अफोर्ड कर सकता था लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दिस प्लीज गो थ्रू दिस सेशंस और ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे ही पॉज करके आप ये रिव्यूज पढ़ सकते हो और आपको अर्बन प्रो पे भी ये रिव्यूज मिल जाएंगे इफ रजिस्टर्ड बिफोर ट्वेंटी मैंने डाला था नाइन्टी परसेंट हंड्रेड मनी बैक गारंटी क्या है मैंने एक्सप्लेन किया है इफ द बैचेस आर बिग डिस्काउंट आस्क Any institute upfront they won't give any money back guarantee. No institute dares to provide money back guarantee. But we, our content is very powerful so we are not afraid. अपना content इतना logical है या नहीं है आप लोग मुझे बताओगे. अगर किसी को logical नहीं लगा no issues. There is no argument. आप just बोलो logical नहीं है. We agree and आपको आपका amount refund किया जाएगा. Not only this course. ये तो 157 is uh, kind of ऑबस्टेकल uh, uh, आपको एक लाइन क्रॉस करके सेशन में आना था इसके लिए था ऑन एनी एडवांस कोर्स जो भी एडवांस कोर्स कोर्स अगर आप इंटरेस्टेड हो उस एडवांस को जानने के लिए तो एंड एडिशनल हेवी ऑन फर्स्ट जो डिसीजन फास्ट लेते हैं उनके लिए एडिशनल डिस्काउंट हो सकता है सो so, ये था हमारा वो पूरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया नाउ वी विल टच टू दी एक्चुअल टॉपिक अराउंड नेक्स्ट ट्वेंटी मिनटी

अर्बन प्रो के अकाउंट पे आपको दिखी जाएंगे और एवरी डे मैं क्या कर रहा हूँ लाइव मार्केट में ट्रेड लेके आपको विद टाइमिंग 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 पोस्ट पोस्ट कर रहा नो मैनिपुलेशन डन ओवर किया उसका क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन भी देना है लेटर ऐसे ही एक मार्केट में हम एंट्री एग्जिट नहीं लेते हैं उसको एक एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसीलिए मैंने ट्रेड पहले लिए है नाउ आई विल एक्सप्लेन एन अलाइन हमारी टेक्निक में वो कहां पे फिट होते हैं तो उसके प्रूफ में भी आगे सेशंस में मैं दिखाने वाला हूँ साइकोलॉजी के ऊपर हमने शुरुआत की है साइकोलॉजी के ऊपर हमने बहुत चीजें डिस्कस की उसको हम अभी एलैबरेट करने जाएंगे इस टॉपिक में सो डे वन नाउ एवरी वन इज अवेयर वॉट मीन्स डे वन वॉट डे वन मीन्स टू यू सब लोगों को यह पता चला ये डे वन का मतलब क्या होने वाला है राइट यस और फटाफट बोल दीजिए किसी को कोई भी कंफ्यूजन है बिफोर गोइंग गोइंग अहेड आप बोल सकते हो कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डाउट आप आराम से बोल सकते हो सो आई सी दस लोगों ने बोला है कोई कंफ्यूजन नहीं है आई नीड मोर सम मोर फीडबैक्स कि अंटिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर प्लीज पोस्ट कीजिए फटाफट न गो अड ऑल इज वेल अभी तक डरने वाली कोई चीज आई नहीं है और डरने वाली कोई चीज अपने सेशन में है ही नहीं की जो कोई रॉकेट साइंस है जो कुछ मैं बताऊंगा आपने भी कभी ना कभी देखा रहेगा लेकिन मैंने उसको ऑब्जर्व किया है ओके सो आई एम गोइंग अहेड नाउ एज पर टाइम एट लेवन हुआ है नो no इश्यूज थोड़ा सा फाइव मिनट्स आगे पीछे हुआ तो आप लोगों को चलेगा

म सो आर आर एक्शन एंड रिजल्ट हम लोग सब सेम है क्या नहीं हम सब सेम नहीं है इसीलिए हमारे एक्शन कभी भी सेम नहीं होंगे हमारे रिएक्शन सेम नहीं होंगे हमारा रिस्पॉन्स टाइम सेम नहीं होगा इसीलिए हमारे ब्रेन को मतलब हमारा जो ब्रेन है उसको एक कंप्यूटिंग पावर दी गई है और ये कंप्यूटिंग पावर जो है ना ये बहुत आ, आ, बहुत अलग तरीके से मार्केट में आ, क्या बोलते हैं इसको मार्केट में इस ब्रेन पावर का यूज कितने लेवल तक करना करना है है ये हमको अंडरस्टैंड सो ब्रेन की पावर का एक एग्जांपल मैं बताता हूं इफ यू कैन प्रोसेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग नीचे दिया गया जो पैराग्राफ uh, है पैराग्राफ में आप देखोगे लेटर्स आर नॉट इन ऑर्डर बट हम इसको पढ़ सकते हैं हमारा ब्रेन एक बार एडोप्ट हो गया इस चीज को तो उसी चीज को आराम से पढ़ सकता है इनिशियल फेज में आपको डिफिकल्टी होगी अगर आप पढ़ना चाहोगे कोई भी वा, एक जन अनम्यूट करके इसको पढ़ सकता है इफ नो देन आई विल रीड फॉर यू रीड इट फॉर यू कोई अनम्यूट करना चाहेगा और पढ़ना चाहेगा इसको इट डस नॉट मैटर इन व्हाट ऑर्डर द लेटर्स इन अ वर्ड आर तो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर एट द राइट प्लेस The rest can be a total mess, and you can still read it without problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Yes. Thank you, snehal ji और इसी के साथ मैं prove करना चाहूँगा कि जो आप देख रहे हो letter का arrangement, ये understanding retailers का होता है। लेकिन जो wholesaler से, वो word understand करते हैं। मतलब हमें जानना नहीं है कि डी से लेके टी के बीच में क्या क्या है वो कैसे भी अरेंज हो जाए कितने भी पैटर्न है कैंडल पैटर्न चार्ट पैटर्न लेकिन हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जर्नी एज अ होलसेलर फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू ये हम जान पाते हैं और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हम जान पाते हैं और जैसे आपने प्रूव किया कि माइंड इतना मिराकल मिराकलेसली uh, इस चीज को एफर्टलेसली पढ़ पाए हम लोग तो इस माइंड का मार्केट में कब और कैसे यूज करना है तो आज मे बी दिस कैन बी शॉक ऑफ आर लाइफ और आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विच इज वेरी सिंपल बट थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगेगी तो आई आई वॉन्ट टू गो हेड विद दिस टू नेक्स्ट स्लाइड सो हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर टू मेक प्रॉफिट फटाफट बोलिए जितने लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए आए जितना सेशन इंटर होगा इट विल बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन यस एवरी वन हियर फॉर प्रॉफिट सो आर माइंड इज रेडी फॉर प्रॉफिट हमारा जो माइंड है वो प्रॉफिट मेकिंग साइकोलॉजी या प्रॉफिट के लिए आया है ओके okay? माइंड को हमें अभी कुछ सिखाना है माइंड को प्रॉफिट इज़ीली मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम बताएंगे लेकिन माइंड को अभी प्रॉफिट सिखाना जरूरी है प्रॉफिट क्या होता है एक सिंगल चार्ट में अगर हम एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एक छोटा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा ट्रेन जितने लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार लोगों को दिया है बट एक सिंपल एग्जाम्पल है अगर इंडिकेटर्स वर्क नहीं कर रहे हैं इंडिकेटर्स का मतलब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो ट्रेन आ रही है कहा से आ रही है एक लेफ्ट साइड से आ रही है राइट साइड right में जाएगी हमको पता है कि ट्रेन लेफ्ट से आ रही है मतलब मैं एग्जाम्पल लूंगा वेरी लोकल एग्जाम्पल की वो ट्रेन आ रही है दिल्ली से और जाने वाली है कन्याकुमारी कन्या तक तो इंडिकेटर नहीं है लेकिन ट्रेन जा रहे हमारे डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं कि ट्रेन तो कन्याकुमारी तक जाने वाली है तो हम उसमें चढ़ेंगे उस ट्रेन में क्योंकि हमें जाना जरूरी है इंपॉर्टेंट है नहीं गए तो हमारा नुकसान होगा तो अगर वो ट्रेन

वो भी अपना नुकसान हो सकता है लेकिन अगर कोई स्मार्ट बंदा है जिसको जाना ही है कन्याकुमारी अगर वो जाके ट्रेन के मोटरमैन को पूछ सकता है कि भाई ये ट्रेन कहाँ पे जाने वाली है वहां पे इंडिकेटर तो नहीं है तो मोटरमैन को तो पता है ट्रेन कहाँ तक जाने वाली है और उसको पूछने के बाद क्या आपको एक टाइम पता चल जाता है कि भाई ये ट्रेन जाने वाली है कन्याकुमारी और ये तो अपना डेस्टिनेशन इसके अंदर कवर हो रहा है तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो तीन घंटे मुझे लग रहे हैं तीन घंटे कन्याकुमारी तक पहुंचने के लिए लग रहे अपना डेस्टिनेशन टू एंड हाफ आवर्स में अगर आ रहा है ओके इफ दैट ट्रेन इज रनिंग फॉर थ्री आवर्स एंड आर डेस्टिनेशन इज अराउंड टू एंड हाफ आवर्स और ये ट्रेन द डेस्टिनेशन इज इंक्लूडेड इन दर्नी तो फिर हम सोच सकते हैं अरे यार फिर ये ट्रेन पकड़ सकते हैं तो आप क्या पहले टू एंड हाफ आवर में पहले ढाई घंटे में आप विंडो में से बार बार देखोगे क्या बाहर या क्या करोगे आप पहले टू एंड हाफ आवर में आपको बार बार देखने की जरूरत है नहीं जरूरत है आपका देखना कब शुरू होगा विंडो में से बाहर जब दो घंटे निकल जाएंगे इसका मतलब क्या है यू you नो know, ज आर एंटरिंग एंड वेन एफ आई एस आर एग्जिटिंग और वेन बिग प्लेयर्स आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग उसके बीच में आप देखोगे हजारों रिटेलर्स ट्रेन में चढ़ेंगे और कोई ना कोई स्टेशन पर उतरने वाले ही है जैसे ट्रेन स्लो हो जाएगा कोई तो प्लेटफॉर्म पर उतर के देखेंगे भाई अपना ट्रेन आया है या नहीं है, अपना डेस्टिनेशन आया है या नहीं आया है और जैसे ट्रेन वापस भागने लगेगा वापस ट्रेन में चढ़ जाएंगे यही अपने साइकोलॉजी के साथ किया जाता है एक कॉमन चार्ट होने के बाद भी एक कॉमन ट्रेन होने के बाद भी उसी ट्रेन में चढ़ने वाले लोग अलग अलग साइकोलॉजी से चढ़ते हैं यही चीज मैं विद प्रूफ बताने जा रहा हूं और आज के सेशन में हम साइकोलॉजी 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 सुनने वाले हैं इस साइकोलॉजी का उपयोग हमें जो कल का सेशन है वहां से शुरुआत होने वाली है इसीलिए इसके आगे का पार्ट जर, अगर आप किसी को बोरिंग लग रहा है तो जस्ट निग्लेक्ट दैट और साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स उसको डाइजेस्ट कीजिए तो एक कॉमन चार्ट फिर भी अलग अलग इंप्रेशन देता है इसका मतलब हमें जो सिखाया गया है वो चीज हमें उसी लिए सिखाई गई है कि हम ट्रैप हो जाए वी शुड गेट ट्रैप इसीलिए हमें बताया गया है कि ये चार्ट के इस चीज को ये पैटर्न को ये बोला जाता है इसके बाद ये होगा लेकिन कोई भी बुक में ऐसा मेंशन नहीं किया गया अपार्ट फ्रॉम जोन्स के जो बुक है ट्रेडिंग इन जोन्स या फिर कुछ बड़े बुक्स है जहां पे लोगों ने खुद के ऑब्जर्वेशंस मेंशन किए हैं वहां पे नहीं बताया गया है कभी भी कि ये रिटेलर्स ने पढ़ना जरूरी है एफआई एच सतीश जी सतीश जी इज आस्किंग एफआई एंड डीआई ट्रेसिंग पॉसिबिलिटी बट व्हाट अबाउट बिग प्लेयर्स इट इज पॉसिबल टू ट्रेस यस डेफिनेटली सतीश जी आई एम गोइंग टू शो यू सम प्रूफ्स ऑन दी चार्ट्स अभी तो मैं सिर्फ आई विल शो यू द ओवरव्यू लेकिन इन डेप्थ हम आई गेस थर्ड या फोर्थ सेशन में इन डेप्थ उसको मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या है मैजिक ऑफ चार्ट्स क्या होता है इसके बाद डायरेक्शन जैसे मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा मार्केट पे जाएगा अगर आपने वो मोमेंटम लूज किया सपोज दो ही मोमेंटम है मार्केट को ऊपर जाने का मुंह है या नीचे जाने का मूव है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपने ट्रेड लिया आपके अगेंस्ट जाएगा ना इसके अलावा तीसरा कुछ होगा क्या नहीं होगा तो डायरेक्शन के बारे में हमें कंफ्यूजन क्यों होता है पता है क्योंकि हमें वाई का जो इंपॉर्टेंस है हमने बिना वाई अंडरस्टैंड किए हम एंटर कर लेते हैं और अगर हम बिना वाई अंडरस्टैंड किए एंटर कर सकते हैं करते हैं तब जाके डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है ट्रेन जाने वाली है किधर भी जाने वाली है आपको कन्याकुमारी जाना है और वो ट्रेन जा रही है जम्मू कश्मीर तो आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर की ट्रेन में नहीं चढ़ोगे ना तो क्लैरिटी आने के लिए टाइम जो लगता है उसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है वो क्लैरिटी इन सेशन में आपको मिल जाएगी उसके बाद तीन नेचुरल थ्री नेचुरल ट्रेंड्स मतलब ट्रेंड्स क्या होते हैं एक तो नीचे जाने वाला ट्रेंड एक तो कहीं पे भी नहीं जा रहा है मार्केट फुल टाइम पास चल रहा है मार्केट में आप बैंक निफ्टी की बात में करने जाऊं तो घंटे जो एवरी डे दे मैंने देखा है बैंक निफ्टी को अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहे हो तो अराउंड सिक्सटी परसेंट ऑफ दी टाइम बैंक निफ्टी टाइम पास करता है उसका मतलब अपना मार्केट घंटे और मिनट्स का का है है उसमें घंटे टाइम पास होता है और उस घंटे में आप एक पूरा मूवी कंप्लीट कर सकते हो और फिर जाके बैंक निफ्टी को फिर से देखोगे बैंक निफ्टी किधर नहीं गया रहेगा उसी दो लाइन में फंसा रहेगा ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा उसके बाद ग्रीन बुलिश बुलिशमू ये डर ये डर वाला है और ये ग्रीड वाला है ये दो सिग्नल्स जो है ना ये आपको मार्केट में एंटर और एग्जिट करने के लिए वेपन्स करके यूज किए जाते हैं कोई आपको डराता है कोई आपको ग्रेड दिखाता है आपको क्या देखना है भाई तुम क्या कर रहे हो तुम मुझे क्या दिखा रहे हो वो मुझे नहीं देखना है तुम खुद क्या कर रहे हो वो मुझे देखना है और जब हम वो देखना शुरू करते हैं तब मार्केट में एक नए लेवल का कन्विक्शन हमें आ जाता है और तब ये तीनों ट्रेड को इंडिपेंडेंटली हम ट्रेंड्स को हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी फियर और इसीलिए मैं बोलता हूं मार्केट कुछ नहीं है अभी जो सेशन हम पांच दिन में सीखेंगे या जो मेरा महीने भर का एडवांस सेशन होता है ये सारे सेशन की जरूरत ही नहीं है अगर आपको जिंदगी में ये एक स्लाइड पता चल गई तो वॉट इज दिस सिंगल स्लाइड दिस स्लाइड इज से फोर काइंड ऑफ एग्जिट्स मार्केट के सिर्फ चार एग्जिट्स है एंट्री तो कहीं से भी कैसे भी ले लो आप आपको सिर्फ आपके एग्जिट का टेक केयर करना है अगर आपको एग्जिट का टेक केयर करना आ गया तो मार्केट आपके लिए रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत लोग ये भाषण देते हैं चूरण देते हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये सब लोग बोलते हैं बड़ा लॉस नहीं करना है मैं आपको टेक्निक देने वाला हूं बड़ा लॉस होगा ही नहीं कभी जिंदगी में योर माइंड विल नॉट अलाउ यू टू मेक बिग लॉस तो वॉट रिमेन्स इज स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट अगर आपके माइंड को एक बार फिट हो गया माइंड में कि भाई ये बड़ा लॉस मतलब मैं जो भी मेरे वेपन यूज करूंगा उस किसी वेपन से बड़ा लॉस कभी भी होने वाला नहीं है अगर मैं ऐसा आपको बोलता हूं तो इन वेपन को जब आप यूज करोगे तो क्या कन्विक्शन से यूज करोगे मतलब आपको पता है आपने जो वेपन आप मार्केट में अभी यूज करने जाने वाले हो उस वेपन से कोई बड़ा लॉस नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका कन्विक्सन या आप इतना तगड़ा वार करोगे कि आपको आने वाले रिटर्न भी उतने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है मार्केट में जब हम एंटर करते हैं हम एक, आ, हमारा तो ये जो रेड एरिया बिग लॉस तो हम इतने मास्टर है कि हम अनएक्सपेक्टेड है मेरे को बिग लॉस तो होगा ही नहीं ये तो बाजू वाले का होगा और ये डर लगा रहता है कि हुआ तो क्या होगा ओके लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है हम एक्सेल शीट बनाते हैं मैं मार्केट में एंटर करूंगा परसेंट दिन का बनाऊंगा या फाइव पॉइंट फाइव परसेंट दिन का अगर मैंने मनी बनाना शुरू किया उसके बाद ऐसे ऐसे जाऊंगा तो छोटा छोटा प्रॉफिट प्रॉफिट फिर बड़ा मोस्ट एक्सपेक्टेड मुझे मार्केट में आ जाने के बाद बड़ा प्रॉफिट प्रॉफिट होगा दिस दिस इज इज साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नॉर्मल वेरी छोटा हुआ तो अरे ये क्या है ये तो मेरे डाई हाथ का बाए हाथ का खेल है एक्सपेक्टेड क्या है हाँ होगा तो मेरे को छोटा लॉस होगा इतना बड़ा लॉस तो नहीं होगा ये एक्सपेक्टेशन है रियलिटी क्या है रियलिटी में अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत लोग बिग लॉस में आते हैं कितने आप में से कितने लोग हैं जिनको बिग लॉस डराता है इंक्लूडिंग मी मुझे भी बिग लॉस डराता है डराता था कितने लोग बिग लॉस से डरते हैं या मुझे बताओ आज के सेशन में जितने लोग हैं, इनका ये बिग लॉस प्रॉब्लम है ही नहीं ऐसा कोई है क्या इसमें सेशन में सब लोगों का डर बिग लॉस है तो लेट मी टेल यू द रियलिटी आप ये सेशन जो अटेंड कर रहे हो यू आर नॉट अटेंडिंग दिस सेशन फॉर प्रॉफिट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन हाउ टू मैनेज दिस बिग लॉस आपको पता ही नहीं है आप मैनेज जिस चीज को करने जा रहे हो वो प्रॉफिट नहीं है वो लॉस है बिग लॉस और ये जो बिग लॉस है इसको आप ये दिस इज योर मैनेजर ऑफ बिग लॉस को मैं बोलता हूं इसका मैंने नाम रखा है दिस इज मैनेजर ऑफ योर होटल और मैनेजर ऑफ योर अकाउंट आपका जो अकाउंट डिपार्टमेंट है ना उसका मैनेजर इज बिग लॉस यू टेक केयर ऑफ योर मैनेजर योर मैनेजर विल टेक केयर ऑफ योर अकाउंट नथिंग एल्स आपको ये बिग लॉस को इतना संभालना है सजाना है सहज उस उसको ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको सेकना है बिग लॉस को कि वो आपका कैपिटल है या वो आपका जो बिजनेस है वो मैनेज कर बिजनेस क्या है आपका

जो क्या बोलूंगा लेंथ मार्केट जिस लेंथ से गेन देने वाला है अपने को आप आर यू इंटरेस्टेड टू ग्रैप दैट कंप्लीट लेंथ जिस लेंथ में मार्केट प्रॉफिट जिस मैग्नीट्यूड से प्रॉफिट देने वाला है आप डेफिनेटली ग्रैप कर सकते हो समाइम्स आप बड़े प्रॉफिट करते हो लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिग लॉस है ना ये आपके तीनों जो आपके एम्प्लॉयज है इनको खा जाता है और इसीलिए आपका कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट या मेरा ट्रेडिंग अकाउंट 6 साल तक कभी भी ऊपर आया ही नहीं जब मैंने इस मैनेजर को अच्छा खासा सैलरी दिया मतलब क्या है मैंने माइनस ट्वेंटी टू लाख लेकिन उससे मैंने लर्निंग लिया भाई तेरी गलती इधर हो रही है और यू आर नॉट अ गुड मैनेजर जब अपने मैनेजर को गुड मैनेजर आप कन्वर्ट कर दोगे तो दैट मैनेजर कैन हैंडल यूर रेस्ट ऑफ दिजनेस ओके आगे जाता हूं तो एक्सपेक्टेशन में रियालिटी में छोटी छोटी चीजें हैं एक्चुअल हम जब जाते हैं तो हम अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में चले जाते हैं कंट्रोल बिहेवियर क्या होता है छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट अनकंट्रोल बिहेवियर क्या है दिस इज रियलिटी दिस इज एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन में हमें यह दिखता ऐसे है लेकिन रियलिटी में हम अलाइन होते हैं टुवर्ड्स दी लेफ्ट राइट right साइड में अलाइन होने के लिए भाई एफर्ट्स लगते हैं क्या एफर्ट्स लगते हैं एक बॉक्स बनाना पड़ता है साइकोलॉजी के अराउंड और वो बॉक्स कौन बना के देगा हम बनाएंगे खुद अपना अपना बॉक्स बनाने वाले हैं बाय एंड ऑफ दिस सेशन हाउ टू फिक्स दिस नाउ कुछ नहीं है सिंपल इट सिंपल गेन कंट्रोल ओवर प्राइस एक्शन आपको अगर डर है प्राइस से मतलब प्राइस उल्टा घूमेगी रिवर्स हो जाएगी मैं लॉस में चला जाऊंगा तो आपको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है जस्ट फोकस ऑन प्राइस प्राइस हैज ओनली टू डिमेंशन प्राइस के दो ही डिमेंशन है टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपको उसका गेम पता चला कि वो टाइम उसने कैसे स्पेंड किया है और कितना डिस्टेंस कवर किया है और डिस्टेंस उसने जो कवर किया है उसके लिए कितना टाइम लिया है तो आपको सारा उसका जर्नी समझ में आ जाएगा जैसे मुझे समझ में आया है एंड नाउ इट इज माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन डेप्थ टू यू

कितने कम टाइम में कितना लॉन्गर ड्यू डिस्टेंस आपने कवर किया है और कितने लॉन्ग टाइम स्पेंड करने के भी करने के बाद भी इतना सा छोटा डिस्टेंस आपने कवर किया है क्या पर्पज है उस छोटे डिस्टेंस का उसका कुछ ना कुछ पर्पज डेफिनेटली होता है तो मैं आपको कुछ प्रूफ चार्ट भी दिखाऊंगा बाई एंड ऑफ दिस सेशन एम मूविंग एवरेज एस एम एम ए इसको लोग बोलते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ मूविंग एवरेज हम एंटर कर लेंगे फिर क्रॉसिंग पे एग्जिट कर लेंगे नो प्राइस इज क्रॉसिंग अ मूविंग एवरेज ये हमारा इंडिकेशन नहीं है हम एंटर प्राइज क्रॉस मूविंग एवरेज के ऊपर जाने से नीचे जाने पर नहीं करते हैं हम हमारा रिस्क कैलकुलेट करते हैं जितनी जितनी दूर करंट मार्केट प्राइस ईएमए से जितनी दूर है लेकिन वो ईएमए राइटली कॉन्फ्यूगर्ड होना बहुत जरूरी है अगर वो सही तरीके से कॉन्फ्यूगर्ड है तो ही हम रिस्क सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कल का जो सेशन होगा इसमें हम इनडेप जाके ये रिस्क कैलकुलेशन क्या है वो जानने वाले हैं

तो वो लोग जो घुमाते हैं मार्केट को वो किस डिरेक्शन में घुमाने वाले हैं ये हमें कैसे पता चलता है ये आर हमें कैसे बताता है और आर क्यों बताएगा वॉट इज डिफरेंस बिटवीन एम एंड ये इंडिकेटर्स लोग इनको इंडिकेटर्स जानते हैं हमारे लिए ये इंडिकेटर्स की जरूरत ही नहीं है हमारे लिए वो डेटा पॉइंट है डेटा पॉइंट्स हमें रीड कैसे करना है सही तरीके से कॉन्फिगर कैसे करना है अगर एक बार लाइफ में आपने इसको सेट कर दिया एनी टाइम इन नियर फ्यूचर आपको कभी भी फॉल्स इंटरप्रिटेशन नहीं देने वाला है ये ड्राइवर ऑन सीट आपको पता चला आपको शांत में आके बैठना है साइड में को पैसेंजर द प्राइस वी आर व्हेन वी आर दे आर टेकिंग यू टर्न जस्ट गेट आउट ऑफ दैट व्हीकल एंड लुक फॉर न्यू व्हीकल लुक फॉर अनदर व्हीकल आप उसके साइड में बैठ जाओ ड्राइविंग सीट में आपको लग रहा है को पैसेंजर जो आपका ड्राइव कर रहा है वो किस डिरेक्शन में जाने वाला आर एस को बता देगा आपको तब तक बैठना है जब तक वो टर्न नहीं लेता है ओके okay? तो ये चीज को हम कार्ड्स में समझते हैं ऑलवेज रिमेम्बर मैक्सिमम यू कैन बिकम अ किंग ऑफ अ मार्केट मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम मार्केट हमेशा इक्का जो है वो मार्केट के पास ही होगा कितने भी हम बड़े हुए इवन में और नाउ यहां पे मैं बताना चाहूंगा वॉट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम मी इज माई ऑब्जर्वेशन आई वेन आई डिस्कस मार्केट मार्केट मैं जब के के साथ बात करता हूं या चार्ट के साथ बात बात करता या चार्ट करता हूँ तो मार्केट ने जो जो मुझे बताया है उसकी लैंग्वेज में उसका लैंग्वेज क्या है मार्केट का टाइम एंड डिस्टेंस जिस उस लैंग्वेज में जब उसने बताना शुरू किया वही ऑब्जर्वेशन में आपको बता रहा हूं तो वो जब मूव लेगा तब जाके वो मुझे बताएगा बता पाएगा कि मैंने ये वाला मूव लिया है तो मार्केट को हमेशा 10-20 परसेंट मूव होना जरूरी है मार्केट ऑलवेज नीड्स 10 टू 20 परसेंट मूवमेंट बिफोर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग टू अ ट्रेडर लाइक मी मुझे एक्सप्लेन करने इसीलिए मैं बोलता हूँ फिशिंग टॉप और फिशिंग बॉटम ये अपना काम नहीं है वी आर शेडो ट्रेडर्स वी आर फॉलोअर्स वी आर फॉलोअर्स ऑफ बिग प्लेयर्स हम बिग प्लेयर्स का मूव अंडरस्टैंड करते हैं उनका चक्रव्यू है जानते हैं और उसी को हम ट्रेड करते हैं वॉट कन्वर्ट एक्सपेक्टेशन टू रियालिटी आज दाइट क्वेश्चन क्या कन्वर्ट करता है अगर आपको पूछूंगा या ऐसी क्या चीज है जो आपके एक्सपेक्टेशन को रियालिटी में कन्वर्ट करती है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी क्या बताया था मैंने दिस इज एक्सपेक्टेशन कंट्रोल प्रॉफिट और अनकंट्रोल्ड uh, लॉस तो होगा ही नहीं यहाँ पे हमारा रियलिटी ये एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में कौन कन्वर्ट करता है चैट विंडो में बोलिए आपको कोई ऐसा पता है जो कन्वर्ट करता है हम एक्सपेक्ट कुछ करके चल रहे हैं और रियलिटी कुछ अलग है ये कौन करवाता है अपने से हु इज डूइंग दैट हुपॉन्सिबल फॉर आर रिजल्ट वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट वो ना मिलते हुए हमें रियलिटी में जो रिजल्ट मिलते हैं वो कुछ वियर्ड होते हैं आ राइट क्वेश्चन हु कन्वर्ट्स एक्सपेक्टेशन टू रियलिटी एंड नॉट व्हाट कन्वर्ट्स एक्सपेक्टेशन टू रियलिटी इमोशंस यस इमोशंस का मतलब इमोशंस अगर आए तो इमोशंस किस चीज को बिलोंग करते हैं कहां से आते हैं इमोशंस एक बहुत ही पता नहीं ये एग्जांपल आपको कैसे आप लोगे लेकिन बहुत बड़े बड़े वॉर जो हुए या झगड़े जो हुए हैं मतलब कोई अगर किसी को कुछ हल्का सा बैड uh, वर्ड्स बोल देता है तो वो बैड वर्ड के ना लेवल्स होते हैं कभी बैड वर्ड यूज करते हैं हम लोग तो वो पोटेंशियल अरे यार तू गधा है तो हमको लगता है अरे यार इसने गधा बोला सो ही सेइंग आई एम स्टूपिड ओके तो वो आगे जाके बोलता है यू आर एक्स वाई जेड मतलब मैंने थोड़ा हायर लेवल लैंग्वेज यूज किया आपको लगता है अरे भाई इसने मेरे को ऐसा कैसे बोला

हमारा माइंड थोड़ा कावरा बावरा हो जाता है और किसी ने अगर कोई बड़ा ऐसे यूज कर दिया वर्ड जो हमें सुनेंगे तो हम ये हो जाएंगे अरे बाप रे अभी मैं इसको देखता हूं तो वॉर हो जाता है तो ये जो चीज है वॉर मतलब छोटे से रिएक्शन रिस्पॉन्स रिएक्शन से रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स से रिएक्शन में कन्वर्ट करने का काम माइंड का है सो दैट माइंड कन्वर्ट्स और औरट कन्वर्ट्स आर एक्सपेक्टेशन टू रियालिटी फियर गिड ये सब उसके ही पार्ट है सब उसके ही तामझाम है, सब उसके ही एक्टर्स है माइंड के पास सो इट इज योर वेरी ओल्ड एंड स्मार्टेस्ट फ्रेंड माइंड या ब्रेन में बोलूंगा तो ब्रेन को ब्रेन के साथ क्या करना है मार्केट में आप हो तो ब्रेन को क्या करना है कोई बता सकता है हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ब्रेन के साथ क्या करना पड़ेगा आर रनिंग फाइव मिनिट्स लेट ओके एट थर्टी फाइव हुआ है okay. close, close. Okay. बोली, बोली, आपके माइंड से वो बाहर आएगा आंसर आप हम सबके माइंड में है ही मैंने वो फाइंड आउट किया एंड आई एम शेयरिंग विथ यू चेंज इंग द माइंड सेट ओके सो और और कोई आंसर कर पाएगा एग्जैक्टली exactly, ब्रेन के साथ करना क्या है कंट्रोल्ड माइंड सेट अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजी मेक इट एक्ट लाइक मैकेनिक वेरी नियर टू वेरी नियर टू दी कंक्लूजन मैकेनिक ओके मैकेनिक कंट्रोल योर ब्रेन यस अभी हम एज अभी पता नहीं मैं अपने माइंड से सोच के बोल रहा हूं आई एम समिंग एल्स एंड माई माइंड इज आस्किंग मी टू स्पीक दिस ट्रिक द ब्रेन परफेक्ट गौरव परफेक्ट ब्रेन को ट्रिक करना बहुत जरूरी है सब काम जो करता है ना आपकी साइकोलॉजी यहां पर बेजर फॉल्ट है मेक द ब्रेक वर्क लाइक रूल्स यस नाव वेन वी नो की ब्रेन को ट्रिक करना जरूरी है अपने को नेक्स्ट मोमेंट पता चलना चाहिए कि अपने बॉडी में सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो दिया गया दैट इज ब्रेन एंड वी आर नॉट कंट्रोलिंग आर ब्रेन बट ब्रेन इज कंट्रोलिंग आर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी तो इन सिंपल वर्ड्स आई वुड लाइक टू से ब्रेन को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है तो so, हम क्या कर सकते हैं ब्रेन को इंफॉर्मेशन ना दे उतनी ब्रेन को इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द ब्रेन डोंट इन्वॉल्व योर ब्रेन ब्रेन को इन्वॉल्व मत होने दो चार्ट पे कैसे मत होने दो ऐसा क्या कर सकते हो ब्रेन को कुछ इंफॉर्मेशन ही ना जाए तो ब्रेन क्या करेगा जब ब्रेन बैठा रहता है ना आइडल उसके पास काम कुछ नहीं होता है ना तो वो चार्ट के साथ टाइम पास करना शुरू करता है, फिर उसको कैंडल दिखता है चार्ट पैटर्न दिखते हैं फिर ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न दिखते हैं कि जो सिर्फ अपने को ही दिख रहे हैं और ऐसा लगता है वेल इन एडवांस दिख रहे हैं हम इस पर एक्शन ले, ले लेंगे और हम करोड़पति फटाफट बन जाएंगे वैसा नहीं होता है सो ट्रिकिंग द ब्रेन ब्रेन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है ब्रेन को ट्रिक करना बहुत जरूरी है और यही चीज मैं आपको अभी चार्ट दिखाऊंगा नाउ वॉट द हैक कैसे कर सकते हैं रिप्लेस योर वेरी स्मार्ट एंड ओल्ड फ्रेंड समथिंग दैट इज कंट्रोलर आपके ब्रेन को रिप्लेस कर दो उसका कुछ काम नहीं है स्टॉक मार्केट में आपका ब्रेन साइड में जैसे ही आप स्क्रीन के सामने बैठते हो ब्रेन निकाल के साइड में जो आपका प्लेटफॉर्म रहेगा उस पर रख देना Don't involve your brain in trade. वो उसका काम नहीं है. और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है इंट्रोड्यूस like करूंगा जो एलिमेंट्स ट्रेड को या मार्केट को एक साइकोलॉजी को या एक इस एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं ना कि इसको कंफ्यूज करते हैं ब्रेन ऑलवेज कन्फ्यूज द एक्टिविटी ओके okay, तो यहां पे डोंट अलाउ योर माइंड टू कंट्रोल योर ट्रेड अलाउ कंट्रोलर टू कंट्रोल योर ट्रेड माइंड को मत अलाउ करो कोई भी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए अलाउ योर कंट्रोलर इसके लिए क्या चाहिए हमें नीड एंड वेपन तो ये हमारा आज के आज के सेशन का टेक अवे है जो हम अभी एंड में पहुंच गए सेशन के टेक अवे क्या है पता है व्हाट इज दिस ग्रीन एंड रेड तो हमारी जो टेक्निक है हमारी जो मेथड है वो जब मार्केट में जब वो मार्केट में एक्टिव होगी जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो दिस इज आर टेक्निक ये एक्टिव होगी ये एक्टिव होगी तो ब्रेन का कुछ काम नहीं है यहां पे यहां पे आप देख रहे हो इन दिस फेज इन दिस फेज दिस इज शोन एज दी टाइमर दिस इज पेशेंस हमारा जो पूरा सेशन है पेशेंस यहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना है और पेशेंटली वेट करने के टाइम पे ब्रेन एक्टिव जब होता है, ये का काम है, का काम है तो मार्केट में हमें कुछ काम नहीं है इफ ब्रेन इज एक्टिव चार्ट इज इनएक्टिव फॉर चार्ट आप दिमाग मत लगाओ इफ चार्ट इज एक्टिव आप ब्रेन को इन्वॉल्व मत करो अगेन ब्रेन इज एक्टिव डोंट गेट इन टू दी चार्ट

और कैसे ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है एंड हाउ हाउ द ब्रेन विल नॉट एक्ट ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं होगा कैसे वो डम जैसे रहेगा या इन्वॉल्व ही नहीं होगा डोंट अलाउ यूअर माइंड टू कंट्रोल यूर ट्रेड ये मैं बता रहा हूं ये कैसे कर सकते हैं लोग तो बोलते हैं ना भाई रोबोट बनो लेकिन रोबोट कैसे बन सकते हैं उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ आर यू ऑल रेडी टू सी दिस एग्जाम्पल ऑन चार्ट जस्ट प्लेस यस और नो इन दैट बॉक्स So, हम नेक्स्ट हमने 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए हैं लेकिन कंटेंट इतना कंटेंट इतना है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा प्लीज मैनेज एंड सॉरी इफ आई एम आस्किंग फॉर मोर टाइम आई जस्ट वांटेड टू शो यू इच एंड एवरी पॉइंट विच वी डिस्कस विच जो हम डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट में सो okay. so, यहां पे आप देखोगे

द फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट इज दिस यहाँ पे आप देखोगे प्राइस जैसे शुरू हुआ यहां से किसी ने तो पुश किया नीचे यहां तक पुश किया ओके okay? इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर आ गई और यहां तक यहां पे एक पुश किया गया तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अगर आप देखोगे यहां से यहां तक या यहां से यहां तक जो भी हुआ है चार्ट के साथ जो हुआ है उसके बाद क्या हुआ है ये हमें देखना है तो ये सारी जो चीजें हैं अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे आप बाय करोगे कि सेल करोगे जस्ट टेलमी एन आंसर जिनको जिनको चार्ट पता है यहां पर आप बाय करोगे या सेल करोगे इस मोमेंट पे बाय लेटमी लेट मी ओके लेट मी डू दिस दिस वे चलो अभी हम चार्ट को ड्राइव करते हैं ये कैंडल आ गया इस कैंडल के बाद आप चार्ट को बाय करोगे या सेल करोगे बाय सेल सम सेल सम बाय ओके सो so, साइकोलॉजी में एक कोई वेट भी बोल रहे हैं कोई बाय बोल रहे कोई सेल बोल रहे हैं इसके बाद ये कैंडल आ गया इसके बाद आप बाय करोगे कि सेल करोगे 1040 का कैंडल या वेट करोगे वेट नेक्स्ट आफ्टर दिस रेड कैंडल बाय करोगे कि सेल करोगे फटाफट नो आंसर्स सेल करोगे ठीक है यहां पे इस कैंडल के बाद इस मूमेंट में होल्ड सेल राइट सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ हमारे माइंड से निकल के बाहर आ रही है लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा एक वेपन देता हूं जो ये बोलता है कि भाई ये ये जो बीच में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है पता है आपका माइंड अंडरस्टैंड कर रहा है दिस इज ग्रीन इन कलर और इसके ऊपर ये बना है तो ये बाय का सिग्नल बाय या हमारा माइंड बोल रहा है ये बाय है ये यहाँ पे ये पे रेड तो ये सेल हो सकता है दीज आर ट्रिगर्स प्रोवाइडेड बाय मार्केट लेकिन हम जिस टेक्निक को बोल रहे हैं ब्रेन को ये बताओ बताओ आ, मतलब ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन दो ही मत ना ब्रेन को इन्फॉर्मेशन कब दो पता है जब इस पॉइंट को क्रॉस करे ब्रेन अभी यहां पे आप देख रहे हो मैंने व्हाइट पैच डाल दिया पूरा अब मुझे कोई बता पाएगा इस मोमेंट पे क्या करना है टेन ट्वेंटी फाइव को टेन ट्वेंटी को क्या है ब्रेन को कुछ सिग्नल मिल रहा है नो no क्लू क्या चल रहा है उसमें क्या खिचड़ी पक रहा है नो no क्लू यहां से प्राइस बाहर आ गया ओके यहां पे कुछ तो करना है यहां पे क्या करना है इसके लिए हमारे पास इतने लेवल का अंडरस्टैंडिंग है कि यस यस किसी को कुछ बोलना है ओके नो प्रॉब्लम तो हमारे पास इतने लेवल का अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे एक्जैक्टली exactly क्या करना है हमको पता है लेकिन इसके बीच वाला देखने की जरूरत है क्या नो नीड इधर भी हमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं यहाँ पे एक शेंडी दिख रहा है आप देख पाओगे बाहर आया है प्राइस एक्शन ये चार्ट लॉक हो गया क्या नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ग्रीन कलर का कांडी बाहर आया है एक छोटा सा इसको वीक बोलते हैं तो यहाँ पे हमको एक्शन लेना है देन देन एक्शन एक्शन हमें हमें पे पे लेना है, हमें यहाँ पे लेना है है इसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो इसके बीच में ब्रेन को कुछ सिग्नल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट ड्राई हो रहा है इस और इस कंट्रोल पॉइंट पे और इसके बाद होगा क्या इसके बाद क्या होगा हमारा टाइमिंग है वन के बाद जो भी होगा वो वन के बाद होगा और अगर वो होगा अगर वो होगा तो वो ऐसे ही होगा और उधर पहुंचने के बाद मार्केट को रुकना ही है यहां पे पहुंचने के बाद मार्केट को हॉल्ट लेना ही है एंड देन मार्केट विल गो इनटू सम अदर जोन रेंज तो दीज टू कंट्रोल पॉइंट्स आर नॉट डिफाइंड जो इसका ऊपर का बाउंड्री है और नीचे का बाउंड्री है दिस इज नॉट डिफाइंड अस टेशन अलोंग विथ मल्टी मल्टीपल प्रूफ नॉट ओनली सिंगल प्रूफ एक छोटी सी चीज आज का सेशन क्लोज करने के पहले आपको शो करना चाहूंगा रिलेटेड टू बैंक निफ्टी आर्ली के चार्ट पे. क्या आपको ये पता है मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ही चलता है किसको पता है देर इज फिक्स रेंज ऑफ अ मार्केट वन मोमेंट हेलो अरे श्वेता सेशन चालू है आला सो लेट मी शो यू इग्नोर दिस पार्ट ये मैंने प्रेडिक्ट किया था और वो एग्जीक्यूट हुआ है जस्ट वॉच दिस थिंग ये कैंडल कितने लोगों को पता है आपने देखा रहेगा बट एट विथ आर ऑब्जर्वेशन लेवल मार्केट इसी रेंज में फ्रॉम मार्च टिल टूडे इसी रेंज में चलता है कैसे चलता है लेट मी शो यू सम समूव इसको हमने बोला है टू पीजेड आर रेंज दो प्राइमरी जोन रेंज दो प्राइमरी जोन क्या होता है आई एक्सप्लेन यू सो लेट मी स्टार्ट प्लॉटिंग लेवल्स सॉरी फॉर टेकिंग योर एडिशनल टाइम जिन लोगों को लीव करना है सेशन प्लीज लीव uh, मतलब मैंने टाइम जो कमिट किया था उससे ज्यादा हो रहा है और क्योंकि इसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाले हैं जिनको कंटिन्यू करना है दो दो कैन कंटिन्यू एंड वॉच दिस सेशन मार्केट एक फिक्स रेंज में फिक्स रेंज में कंटिन्यूसली चल रहा है दिस इज द फिक्स रेंज नथिंग हैज चेंज्ड और ओवर पीरियड मतलब ऐसा नहीं कि एक बार होता है ये मैंने ये नोट डाउन किया है एक बार नहीं ये बहुत मतलब ये लॉकडाउन के बाद जो भी चार्ट बना है यही चार्ट इसी में ही फंसा हुआ है क्यों इस रेंज में फंसा हुआ है देर इज वन रीजन इस रेंज को तोड़ने के बाद मार्केट कहां तक जाएगा उसका भी एक रीजन है कोई भी चीज अनवांटेड नहीं है मार्केट में एवरी थिंग एवरी थिंग इज स्क्रिप्टेड एंड दिस इज द स्क्रिप्ट इसीलिए मैंने बोला था 33,300 पे मार्केट जाएगा ही क्यों जाएगा कैसे जाएगा इसका डिटेल्ड रीजन मैं आपको बताने वाला हूं ये फिक्स रेंज है ये तो टू पीजेडर रेंज है लेट मी शो यू वन मोर रेंज वो हम ऑब्जर्व करते हैं आर्ली चार्ट्स पे प्राइमरी जोन रेंज इसको मैं बोलता हूं और मैं बोलूंगा रिटेलर्स अगर आप रहोगे सो प्लीज चेंज योर मेथड ऑफ लॉटिंग द मार्केट

तो दिस इज टू पीजेड आर रेंज ओके यहां तक तो क्लियर है अभी इसके साथ क्या हुआ है सॉरी ये ऐसे है दिस वन इज लाइक दिस देन इट इज लाइक दिस लाइक दिस ग्रीन टू ग्रीन कैंडल पूरा अब ध्यान से देखिए फ्रॉम धीस कैंडल टू धिस कैंडल फ्रॉम थीस टू धीस फ्रॉम धीस टू धीस

यहाँ पे हम फंसे हैं फिलहाल ठीक है अभी ये इसकी प्राइमरी जोन रेंज है ये हमने नहीं डिसाइड की है ये मार्केट डिसाइड करता है हमें ये प्रोपोर्शन पता है कि ये रेंज जब भी बनेगी जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये रेंज जब भी बनेगी देयर इज अ फिक्स पॉइंट मतलब अपनी जो ये करंट रेंज है 2100 पॉइंट्स की मैग्निफ्टी की रेंज है दिस इज 2 फॉर टू टाइम्स ऑफ 2100 दैट इज टू सॉरी

यहाँ पे ही नहीं रुकती इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं ओवर दी पीरियड एक्सप्लेन करूंगा जैसे मार्केट जब बढ़ता है तो इस रेंज में घटता है तो कौन से रेंज में घटता है इस रेंज में घटता है और नाउ व्हाट इज दिस दिस इज मार्केट का करेक्शन रेंज और ये करेक्शन रेंज के बाद मार्केट के साथ क्या होगा तो लेट मी शो यू दैट एज वेल हमें इसको टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ेगा फिफ्टीन मिनट्स वेयर इज दूमेंट ये सिर्फ निफ्टी में नहीं बैंक निफ्टी में नहीं स्टॉक्स में भी चलता है इसको लोड होने दीजिए और मे आई टेक यू टू दी प्रूफ्स करेक्शन oh, analysis, analysis की रेंज है ये इतना डिफिकल्ट नहीं है आप जैसे देखोगे आराम से हम पूरे इस रेंज को प्लॉट कर सकते जैसे की ये रेंज और करेक्शन की रेंज ये क्या है मार्केट ऐसे कैसे प्लॉट होता है इसी रेंज में क्यों हाइज और लोस बनाए जाते हैं इसी रेंज में कैसे ट्रेवल करता है ये सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन की गई है और बहुत अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे मेरा रिसेंट जो एनालिसिस था एग्जाम्पल नवम्बर का जो एनालिसिस है ये वाला मार्केट ने यहां से फॉल दिया था इधर तक ही क्यों दिया था इसके आगे क्यों नहीं दे पाए इसके साथ बहुत सारे आपको जो जैसे कि ये वाला फॉल है यहां तक भी आके क्यों रुका है देर आर लॉट मेनी एग्जाम्पल्स आई कैन शो ओवर हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड We एनी need not नॉट टू डिसाइड एनी रेंज बट वी will ऑलवेज नो कितने दूर तक मार्केट जाएगा Let me शो यू एन example, जैसे कि आज व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने शेयर किया ही है आपको टू लाइंस क्लब यह हमारा मेन क्लब है जहां पे सारी एक्टिविटी होती है कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं जो भी हुआ है आ, हमारा पर्पस ये नहीं है हम नंबर्स पे अभी तक नहीं जा रहे हैं वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द रेंज आई विल चेकिंग द चैट अगेन बट लाइक दिस सो दिस इज

जज दार्केट नेक्स्ट मूव लेकिन उसके साथ इट इज ऑल्सो इंपॉसिबल फॉर मार्केट टू हाइड एक्शन हाइड कर ही नहीं सकता है प्राइस एक्शन फ्रॉम एनी ऑफ दर्वर और हमने वो किया है वी कैन डिटरमाइन द रेंज आई विल लेट यू नो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है uh, कौन से सेशन पे? Let me जो ये से टाइम फ्रेम के बाद जो आने वाला है प्राइमरी सेकंडर यहाँ पे हम वो सारी रेंजेस डिस्कस करने वाले हैं कल के सेशन में हम शुरुआत करेंगे रिटेलर होलसेलर और ये रेंज है जिसका मैंने आज आपको जस्ट इंप्रेशन बताया ये हमको वेल इन एडवांस कैसे पता चलता है ये सब हम डिस्कस करेंगे ही उसके बाद खम स्टोरी बिल्ड करेंगे मार्केट उधर जाएगा ये आप एनालाइज करोगे और पेशेंट जोन जैसे मैंने आपको दिखाया नो केमिकल रिएक्शन अगर ब्रेन को देना है और एक्शन क्या लेना है तो वो पेशेंस जोन का फॉर्मेट है जहां पे हम ब्रेन को इनपुट नहीं देते हैं ब्रेन को कोईट आउट कर देते हैं मतलब जो चार्ट है उसको कैंडल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें हमें पता है एक्शन कब लेना है और कितने देर तक लेना है ये सारी चीजें हम आराम से कर सकते हैं तो ये सारे फाइव डेज के सेशन में हम लोग इस चीज को अच्छे से हैंडल करके हमारी खुद का एक कस्टमाइज प्लान बनाने वाले हैं सो आई होप आज का सेशन आपको जितने लेवल तक जितने कन्विक्शन से मैंने बताना चाहा उस कन्विक्शन से अपने को पता चला है कल सेशन टू में हम इसी चीज को रिवाइज करेंगे और आज का सेशन हम यहां पे ही खत्म करते हैं बाय कंसिडरिंग मोस्टली दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट बट आउट ऑफ दिस ओनली दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको, इसके बारे में आज हमने जाना एंड आई होप माई मैसेज इज क्लियर टू यू वी शुड हैव मास्टरी इन दिस एंड कैसे करना है मास्टरी आई डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शो यू दिस इन कमिंग सेशन एंड आई होप वॉट एवर वी हैव लर्न इन दिस सेन फिक्स धिस आर मैनेजर एट प्रेजेंट एंड इट कैन फिक्स आर फ्यूचर लाइक कंट्रोल लॉस कंट्रोल प्रॉफिट एंड अनकट्रोल प्रॉफिट

हमारी साइकोलॉजी को अनकंट्रोल्ड लॉस से लेके पूरा घुमा घुमा के कंट्रोल लॉस तक लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन कंट्रोल प्रॉफिट और नेक्स्ट सेशन प्रॉफिट तक लेके आएंगे एंड आई होप अगर ये हम कर पाए तो हमारा जो ये सेशन है फाइव डेज व्हाट्सएप ब्लू जो है व्हाट्सएप चैलेंज है इसका पर्पज सर्व होगा सो थैंक यू एवरी फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड

which is time frame ema and rsi thank you so much till then bye bye see you good night have a great session ahead thank you see you tomorrow closing the session for all now close now